So guys, today we are starting with chapter number 2 of Director, okay? And this chapter will start from section number 196 till section number 205. Matlab ye chapter relatively is smaller than chapter number 1, jisme keval hamare paas mein 10 section maujood, 10 section khatam, chapter khatam. Aaj hum log is particular lecture mein 4 sections khatam karenge aur kal mostly ye chapter khatam ho jayega. क्योंकि ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा चैप्टर नंबर 1 बड़ा हुआ करता था. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपको एक बात समझना होगा, इस चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. हमने चैप्टर नंबर 1 में भी अपॉइंटमेंट देखा, बट वी वर टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओनली डायरेक्टर्स. This time the point is not about director, it is about managerial personnel. Now the question is, you'll ask me, sir, what is the meaning of managerial personnel? अब आपके दिमाग में एक सवाल है, सर managerial कौन होते हैं? तो manager में तीन लोगों का समावेश किया जाता है, उसमें एक होता है MD, एक होता है WTD और तीसरा होता है manager. I'll repeat, manager, WTD and MD. इन सबको मिला के कहते हैं managerial personnel. मतलब इस चैप्टर का लिखा जर्रा जर्रा हर कोई पॉइंट, इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट MD, WTD एंड मैनेजर्स. और इस चैप्टर को लिखा गया तीन ही लोगों के लिए. तीन लोग इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स है, एक MD, एक WTD और एक कौन? मैनेजर्स. अक्सर जब मैं मैनेजर कहता हूँ तो मैनेजर लोगों के दिमाग में अलग टाइप का, ऐसे कोई होटल में कोई वेटर्स का जो वेटर होते हैं और उस वेटर का जो बॉस होता है उसको भी लोग मैनेजर बोलते हैं. तो मैनेजर की व्याख्या है क्या? मैनेजर मतलब कौन? आपने कभी एक वर्ड सुना हो जिसका नाम है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. दिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नथिंग बट अ मैनेजर. सर MD और मैनेजर में फर्क क्या होता है? MD और मैनेजर दोनों को भी एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं, दोनों की पावर बहुत ज्यादा होती है, दे आर हैविंग अल्टीमेट अथॉरिटी. एक कंपनी में अगर MD अगर अपॉइंट होता है ना तो उस कंपनी में मैनेजर अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि दो बड़े लोग एक कंपनी में करेंगे क्या, चलेंगी किसकी? आई रिपीट अगेन, अगर मान लो हमारे घर में अगर एक बंदा जिसकी चलती है तो अगर दूसरा भी बोलेगा मेरी चाहिए तो घर में बंटवारा हो जाएगा. तो घर का मुखिया कभी भी एक ही होता, दो दो नहीं होते. वैसे हमारे कंपनी के अंदर भी जो मेन बॉस है ना वो एक ही होना चाहिए. मैनेजर की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, MD की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए कहते हैं एक कंपनी में 2000 लोगों की जरूरत नहीं है, एक मैन में दो तलवारें नहीं होती. क्योंकि फिर क्या होगा, कल्चर के वो बोलेगा कंपनी शुड गो इन दिस डायरेक्शन, दिस वन से कंपनी शुड गो इन दिस डायरेक्शन. और मोर ओवर द प्रॉब्लम इज, अगर इस तरह से काम चलेगा कि तो फिर बाकी एम्प्लॉयज को समझेगा नहीं मुझे किसकी सुनना है. तो इसलिए यहाँ पे 196 सेक्शन कहता है एक कंपनी के अंदर एक ही होशियार आदमी चाहिए. अगर तुम्हारे पास मैनेजर है तो डू नॉट अपॉइंट MD, अगर MD है तो डू नॉट अपॉइंट मैनेजर्स. पर आप सवाल ये पूछेंगे, सर दोनों के इसमें इतनी अंतिम पावर है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज़ है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क इतना ही है, MD वो बंदा होता है जो डायरेक्टर होता है और मैनेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर. दुनिया का हर MD शुड बी डायरेक्टर, मैनेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर. समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कमन गाइस, समझ आ रहा है? ओके फाइन. अब क्या होता है ना, MD हो या मैनेजर हो, कोई भी बात तो ये हमें उसका वो कभी एग्जामिनेशन में पूछेंगे नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड MD. ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ते तो समझना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैनेजर का मतलब क्या है, MD का मतलब क्या है. अच्छा है, इस सेक्शन के संबंध जो है ना 196 को हम लोग को पढ़ना पड़ता है 203 के साथ में. वेन एवर वी रीड 190, आपके पास में चार्ट बुक है, राइट? चार्ट बुक है, उस चार्ट बुक में जाइए और आपको 196 के ठीक बाजू में आपको 203 नजर आएगा. आपके पास में ऐसा कुछ दिखता होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD मैनेजर, चार्ट नंबर 2.1 पे चेक करेगा. जितने किताबें आपको दी है सारी किताबों का रोज क्लास में लाना आवश्यक होता है. 196 एंड 203, यहां पे दोनों में क्या लिखा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? दिस टू सेक्शन शैल बी रेड टुगेदर. आप कहेंगे सर दोनों सेक्शन 196 के बाद तो आपने 197 पढ़ाना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा. आफ्टर आई टीच यू 196 आई विल टीच यू 203, क्योंकि 203 में कुछ ऐसे नाम है जो 196 से कनेक्टेड है. नहीं समझ रहे? 196 का नाम देखिए अपॉइंटमेंट, 203 का नाम देखिए अपॉइंटमेंट,
बराबर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे एम डी डब्ल्यू टी डी मैनेजर लिखा है, देखना स्क्रीन पे एम डी डब्ल्यू टी डी मैनेजर लिखा है क्या, कहाँ पे 196 में है क्या? अब 203 में क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, और उसमें भी एम डी डब्ल्यू टी डी का नाम है। समझा कि नहीं समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? ये कौन है और ये कौन है, और इन्हीं के एमपी के अंदर कौन कौन होता है? एमडी भी होता है, मैनेजर भी होता है, डब्ल्यूडीडी भी होता है। मतलब डब्ल्यूडीडी मतलब मैनेजर मतलब एमडी, इनका अपॉइंटमेंट 203 के हिसाब से होगा या 196 के हिसाब से होगा? यही तो दर्द है इस पूरे दोनों पॉइंट का। इन केस टुमारो यू वांट टू हायर एमडी, यू विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ एमडी शुड बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 196 या 203। फिर आप सवाल पूछेंगे दोनों का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग है क्या? दोनों के अपॉइंटमेंट करने का तरीका अलग है। इफ आई फॉलो 196 बोलता अलग तरीके से अपॉइंट करो, 203 को बोलते अलग तरीके से करो। प्रश्न ये उठता है कि मैं फॉलो किसको करूंगा? एग्जामिनेशन में ये नहीं बोलेंगे 196 लगाओ या 203 लगाओ, हमारे ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा लगाए। इसलिए हमें एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम का जो चैप्टर है उसके हिसाब से हमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कोई भी सेक्शन को डिसरिस्पेक्टिंग फील नहीं होना चाहिए। तो 196 को भी यूज करेंगे, 203 को भी क्लब करेंगे, और जो उसका मीनिंग आएगा वैसा हम अपॉइंट करेंगे। ओके, इज इट ओके? ओके, क्लियर है? अब मैं आपको कुछ पढ़ने बोल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना? अच्छे से बोलो, ध्यान से आप पढ़ना अच्छे से। ओके, एक एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर कैसे अपॉइंट होता है, क्या बोला है आप देखना। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन पेबल बी अप्रूव्ड बाय, कौन लिखा है? हाँ जी, मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। सर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चुनेंगे कि अपना अध्यक्ष कौन होना चाहिए? वापस से 10-15 लोग की टीम है, वो उनमें का नेता चुनेंगे, यानी कि शेयर होल्डर नहीं चुनेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलकर मैं चुप नहीं बैठ रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि मतलब एमडी को अपॉइंट करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनता है कि हमारा नेता कौन है, तो उन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनता है कि भाई तू हमारा नेता है। एमडी की पावर बाकी डायरेक्टर से बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मुकेश अंबानी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस कंपनी, ऑब्वियसली उसकी पावर भी मच हायर देन अदर डायरेक्टर्स, नो डाउट अबाउट दैट। Is it okay? Clear. अगली पॉइंट। अब सवाल उठ रहा है, अगर वो एमडी को अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, तो सोचो मेरा आपसे एक सवाल है, डोंट यू थिंक इवन शेयर होल्डर शुड हैव सम कंसर्न टू इट, इवन दे शुड गेट सम यू नो चांस टू टॉक इन बिटवीन? नहीं, बगैर देखे बताओ, इसी बताओ, जनरल डिस्कशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने प्रेसिडेंट को चुना, ये हमारा एमडी है, तो क्या इसके लिए कोई सब्सिक्वेंट अप्रूवल आपको लगता है शेयर होल्डर को भी होना चाहिए? क्या उनको भी अपनी कंपनी का नेता चुनने का राइट होना चाहिए? हाँ जी, क्या नहीं? दुनिया का हर मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर जरूर है, वो डायरेक्टर जरूर है, बराबर है? ओके, अब बोलो जल्दी से, क्या लिखा है? सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स By resolution at next, समझा? अब बोलो क्या हुआ? इसका मतलब तुम चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ क्या बोला, लॉलीपॉप दिया कि तुम अपना नेता चुन लो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुशी दिलाई बहुत कि हमारा अधिकार है कि हम अपने बंदे को चुन सकते, पर चुनने के बाद में भी कोई फायदा नहीं। इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। मतलब यदि ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको चुना और शेयर होल्डर ने उसको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट, तो वो एमडी बोलकर काम नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? अभी जब मैं कह रहा हूँ ना, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एमडी, आई एम टॉकिंग अबाउट एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, मतलब सबकी बात कर रहा हूँ ना, चाहे एमडी हो चाहे डब्ल्यूटीडी हो चाहे मैनेजर हो, चुनेंगे कौन? अरे बोलो ना, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अप्रूवल आएगा इट इज अ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ व्हाट, वो सबसिक्वेंट जो जनरल मीटिंग होगी उसमें उनकी अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगी। पर एक बच्चा बोला सर अप्रूवल नहीं है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 महीने काम कर लिया था, अब 2 महीने के बाद में जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग ने बोला कि नहीं 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 ये आदमी अच्छा नहीं, ये गलत है,
रिजेक्ट करो इसको. तो फिर क्या हुआ? सो वॉट एवर वर्क विच हैज बीन डन विच विल रिमेन वैलिड. भाई लॉ ही ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बोर्ड मीटिंग जिस दिन होगी लगे दूसरे दिन जीएम होंगी. प्रैक्टिकली इट इज नॉट मुमकिन. यू कैन नॉट हैव एन बोर्ड मीटिंग लगे लगे जीएम लगे बताओ, ऐसा नहीं होगा. प्रैक्टिकली तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी, कुछ महीनों बाद एजीएम होगा, फिर तब तक तो 2-3 महीने पास होकर हो गए तो उन बंदों ने जो 2-3 महीने काम किए उसको भी वैलिड मानना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वो मुमकिन ही नहीं है. बोर्ड मीटिंग आज उन लगे कल एजीएम, ऐसा नहीं हो सकता. तब तक कंपनी में काम कौन करेगा? इज इट ओके? आगे. अब यही चीज को अगर मैं देखता हूं, इसमें कुछ चीजें लिखी है. इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट इज एट वेरियंस टू द कंडीशन ऑफ शेड्यूल 5, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लगती है. कुछ एक एग्जांपल दूंगा. शेड्यूल 5 में क्या लिखा है? शेड्यूल 5 में, ये देखो शेड्यूल 5 आपके सामने बाजू में, कितनी कंडीशंस उसमें से, ए बी सी डी शेड्यूल 5 में लिखी है. और मैं एक कंडीशन पढ़ना चाहूंगा, फिर आप बता देना मुझे. उसमें लिखा है कि नॉट बीन इम्प्रिजेंट एंड नॉट बीन फाइंड एक्सीडिंग 1000 अंडर सेक्शन 16. और यहां पे लिखा है अगर वो नॉट बीन इम्प्रिजेंट, मतलब क्या कभी उसको एक दिन का भी जेल हुआ होगा, या उसको फाइन अगर 1000 से भी ज्यादा लगी होगी, तो उस केस में वो बंदा ना एमडी बन सकता है, ना WTD बन सकता है, ना मैनेजर बन सकता है. मतलब उसको एक दिन की भी अगर जेल हुई होगी, या उसकी फाइन अगर उसको 1000 रुपये से ज्यादा, मतलब जेल में नहीं गया पर 1000 रुपये से ज्यादा अगर फाइन भरा होगा उसने कभी, तो वो आदमी कभी भी एमडी WTD नहीं बन सकता. मतलब कि इट्स सो सेंसिटिव. सी कंपनी का एमडी WTD बनना मतलब उसके चरित्र पर बिल्कुल कोई दाग नहीं चाहिए. 1000 रुपये का फाइन भी कभी दिया होगा उसने, या कभी एक दिन के लिए भी अगर जेल में गया होगा, तो एमडी WTD नहीं बन सकता. पर उसमें एक पॉइंट है, वो अंडर 16 एक्ट्स लिखा है, मतलब वो 16 अलग अलग टाइप के एक्ट्स है, उसी के अंदर के लिए बात चल रही है. तो 16 एक्ट हमें पढ़ना पड़ेंगे, मैं शेड्यूल 5 में बता दूंगा मैं कौन से 16 एक्ट है. पर यदि मैं आपको अभी यहाँ पे क्यों आया, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर मान लो सच्ची मुच्ची ऐसा हुआ होगा, उसको 10-15 दिन की जेल हुई थी और वो एक्ट इन 16 एक्ट में का ही है, बराबर है, तो उस केस में दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम एन एमडी WTD मैनेजर, बराबर है. फिर भी उसको बनना ही है, या फिर भी हम चाहते हैं उसको बनाना ही है, भले ही वो जेल में गया था, फिर भी हम उसको बनाना चाहते हैं. वो बंदा तभी दैट पर्सन कैन बिकम एमडी WTD मैनेजर ओनली इफ यू आर गेटिंग परमिशन फ्रॉम व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन हमेशा नहीं लगती है, लगती है अगर ये ए बी पढ़ा ना मैंने, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बस 5 मिनट बाद. ए बी सी डी, इन चारों में से कोई भी पॉइंट अगर वायोलेट हुआ, बोलो ना, उस केस में उसको एमडी WTD मैनेजर नक्को बनाओ. बनने की इतनी ही मस्ती है, बनाओ. बट यू आर सपोज टू टेक द अपलोड फ्रॉम व्हाट सीजी. इसका मतलब अगर एमडी WTD मैनेजर का अपलोड करना है, तो आपसे मेरा सवाल है कितने लोग की जरूरत है? एक बोर्ड मीटिंग के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, सब्जेक्ट टू द अपलोड ऑफ OR, तो BR OR जरूरी है. पर कभी कभी ऐसा हो सकता है, बोलो कभी भी ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल 5 की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो, उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन लग सकता है. तो क्या क्या लगेगा? BR OR and CG. कभी कभार लगेगा जब लगना है, हमेशा नहीं लगेगा. इज इट ओके? BR OR है सर. अभी यही चीज को अगर मैं जब देखता हूं, अब मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे मैं देखता हूं 203 में. अभी आपको 203 में जाके बताना है, अगर कोई KMP को अपॉइंट करना है तो क्या पास करना जरूरी है? कोई भी KMP अपॉइंट करता है, यहां पे लिखा है होल टाइम KMP, माने कि एमडी WTD मैनेजर भी, यानी कि एमडी WTD मैनेजर भी, बिकॉज KMP के बॉडी के अंदर तो एमडी WTD मैनेजर भी है, CS भी है, CFO भी है. इसका मतलब एमडी WTD मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए 196 में भी लिखा है और 203 में भी लिखा है. आपको ये बात एक्सेप्टेड है कि जो मैं बोल रहा हूँ? क्या उनके उस बंदे के नाम दोनों जगह पे लिखे गया? अब 196 का प्रोसीजर क्या है? BR OR और कभी कभी CG. यहां पे लिख रहा है होल टाइम KMP शैल बी अपॉइंटेड बाय रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग रेमुनरेशन. इतना ही लिखा है बस. आपको सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है. आपका समय शुरू होता है. आप बताओ क्या करेंगे? आप
203 कहता है बोर्ड मीटिंग जरूरी है और की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो आप, समझा क्या? 203 कह रहा है अगर कोई भी केएमपी को अपॉइंट करना है तो ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ। और 203 कह रहे 196 कह रहा है बीआर भी चाहिए, ओआर भी चाहिए और कभी कभी सीजी चाहिए। और 203 बोलता है ऐसे नहीं, सिर्फ बीआर भी रहना तो इनफ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर किसी एमडी या अथवा डब्ल्यूटीडी का अपॉइंट करना है तो केवल बीआर पास करोगे आप या बीआर ओआर और कभी कभी सीजी करोगे? क्यों? 203 में लिखा है बीआर पास करो, मैं बीआर पास करूंगा, मैं ओआर नहीं पास करूंगा। हाँ, पर यहां पे तो लिखा है ना भाई इनिशियली कैसे? हाँ तो बीआर तो हो ही रहा है, मैं सिर्फ बीआर ही करूंगा, लिखा है बीआर, मैं बीआर करूंगा। तुम मुझे 196 क्यों चिपका रहे हो? मैं 203 पढ़ूंगा सर। मतलब शेयर होल्डर को पूछूंगा ही नहीं मैं कभी भी। 203 बोलता है अगर बोर्ड ने हाँ बोल दे तो बस खत्म। 196 बोलता है ऐसे नहीं, कैसे वोट करेंगे अकेला, बाकी लोगों को भी पूछो। हाँ, अगर सिर्फ सीएस की बात करेंगे, सीएस तो ओनली बोर्ड, बिकॉज सीएस इज नॉट द पार्ट ऑफ 196। सिर्फ सीएफओ को अपॉइंट करना तो बोर्ड करेगा, बिकॉज सीएफओ का नाम 196 में लिखा नहीं है। तो मुझे सीएफओ सीएस पे डाउट नहीं है, डाउट ही कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका नाम इधर भी लिखा है उधर भी लिखा है और दोनों के नाम में लिखा है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। ऐसा है इनका मानना है 203 196 ओआरबी करना चाहिए। आपका कोई ओपिनियन है इसमें? कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, काम करो। वन नाइन्टी सिक्स फॉलो करने से 203 की पूर्तता हो जाती है, वाइस वर्सा नहीं हो सकता ऐसा। 203 करने से 196 का वॉयलेशन हो जाएगा, पर 196 करने से 203 की भी इज्जत बनी रहेगी और 196 की भी इज्जत बन रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, यू आर डूइंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन ऑफ देम। अब आपने जो किया ना हार्मोनियस निकाला है भाई। देखो 196 को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे इज्जत नहीं दी, 203 को भी लगना चाहिए कि मुझे इज्जत नहीं दी। तो हमने क्या किया, हार्मोनियस किया, दोनों को मिक्स मैशअप किया। और हमने क्या किया, आज की बात में ये सवाल किया, अगर आईसीएआई ने, मतलब देखो आईसीएआई को पता है बच्चे का कन्फ्यूज होंगे, आईसीएआई ने एक या दो अटेम्प्ट पहले एक क्वेश्चन पूछा था, एक बंदे को एमडी बोल के अपॉइंट करना है, मैं आपको लूंगा क्लास में क्वेश्चन, बताओ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। अब बच्चे को तो ये समझ में आ रहा है सर एमडी का नाम तो मैंने 196 में भी पढ़ा है, 203 में पढ़ा है। अब दो अगर सिर्फ गलती से 203 लिख देता तो ऐसा थोड़ी लिख गया था, एज पर 203 बताओ। ऐसे तो बड़ी चालक है ना, बोलेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एमडी, एक लाइन का क्वेश्चन है पर क्वेश्चन में दर्द है। एमडी का अपॉइंटमेंट करे कैसे, करे कैसे, 196 में अलग बोला 203 में अलग बोला। इफ यू कंसीडर ओनली 203 यू आर इनकरेक्ट, इफ यू आर कंसीडरिंग 196 यू आर करेक्ट। बिकॉज लॉ में और एक बात कही जाती है, जब दो सेक्शन एक चीज के बारे में बात करते हैं ना, जो स्ट्रिंजेंट होता है, जो कड़क होता है, जो कठोर होता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। When there are two different sections are talking something, you know, different about some particular matter, in that case you are supposed to consider the matter, the section which is more stringent. Stringent मतलब क्या? जो ज़्यादा कठोर सख्त होता है। तो सख्त कौन सा है? 196 है, तो 196 को follow करना चाहिए। तो आज कल मैं समझा, point to be noted, MD, WTD manager appoint होंगे, step number one, BR pass होगा, अगले general meeting में OR pass होगा, और अगर schedule 5 की कोई condition follow नहीं की, उस case में central government का भी approval लगेगा। पॉइंट बराबर है। आ जाओ मेन बुक पे, ओके 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 पढ़े। नवंबर 2011 एंड मई 2018 के आरटीपी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। मेन प्रोविजन क्या है?
A company shall not appoint. क्या बोल रहा है? Shall not appoint क्या? अरे बोलो भाई, क्या नहीं अपॉइंट करना चाहिए? Shall not appoint or employ MD and a manager at the same time. समझा क्या बोला? एक कंपनी में अगर MD है तो मैनेजर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, और यदि मैनेजर है तो MD को अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. बताओ क्या लॉजिक इसके पीछे? अरे आप लॉजिक देखो कैसे है ना, लॉ जब पढ़ते ना आपको याद रहने का टेंशन नहीं होगा. अगर आपने व्हाट के साथ में हमेशा आपने पूछा व्हाई, यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाई. ऐसा क्यों? क्यों देखो, कोई भी लॉजिक, कोई भी लॉ नहीं क्या लॉजिक के बगैर नहीं चलता. देयर इज अ लॉजिक ऑलवेज बिहाइंड एवरीथिंग व्हिच इज रिटन. ऐसा कुछ भी कुछ तुक्के थोड़ी ना लगाए, कुछ तो सोचा हुआ ना उन्होंने. भाई अगर 2000 लोग एक साथ में आएंगे तो कंपनी किसका सुनेगी? अगर मान लो इस देश में मोदी जी और राहुल गांधी दोनों अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका ठीक है, अपना क्या होगा? बिकॉज दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल, वो अलग सोचते हैं, ये बहुत ही अलग सोचता है, ठीक है ना? तो हम जैसी जनता किसको फॉलो करेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसीलिए बोलते हैं एक कंपनी में एक ही होशियार आदमी चाहिए, एक तो MD चाहिए, नहीं तो, क्योंकि दोनों का पावर हाई लेवल होता है. कोई कंपनी का CEO बोला तो मतलब बहुत ऊपर का दर्जा होता है उसका. CEO ऐसा थोड़ा ना कोई मैनेजर है, नहीं कि CEO. देखो किसी कंपनी में उसको मैनेजर बोलते हैं, किसी कंपनी में CEO बोलते हैं. CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट? समझे? आगे एक बात पूछू क्या, एक कंपनी में एक से ज्यादा MD हो सकते हैं? सर आप ऐसे क्या खुजली करते हो जबरदस्ती? अच्छा हमको समझा, आप कुछ तो लेकर आते हैं फिर हमारे दिमाग की बजाते हो. अब मैं बजाऊंगा, मेरा अधिकार. अब बताओ MD है, ओ वो MD बोल रहा है यार मुझे और एक दो MD चाहिए. बोले बहुत प्रेशर है, वर्क का बर्डन बहुत ज्यादा है. ही वॉन्ट्स टू हायर मोर देन वन. और बोल रहा है MD है, मैनेजर मत लाओ, MD ही लाओ, तो क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, इतना काम मुझसे झेप रहा नहीं, मैनेज नहीं हो रहा. आई एम नॉट कैपेबल टू मैनेज एवरीथिंग. आई नीड वन समबडी मोर. आई वॉन्ट वन मोर पर्सन टू बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर. And this is allowed. Point to be noted. This is allowed. Okay? पर उसकी अपॉइंटमेंट MD की तरह होना चाहिए. मतलब he should not be manager. He should be MD. एक कंपनी में एक से ज्यादा MD हो सकते हैं, पर एक कंपनी में MD के साथ मैनेजर नहीं हो सकता. उसको बोलते ज्वाइंट MD. क्या बोला उन्हें? ज्वाइंट MD हो सकते, ज्वाइंट. जब भी मैं समय कुछ बोलता हूँ आप कुछ लिखते हैं क्या सिर्फ सुन के? आपको क्या लगता है आपका दिमाग बहुत शार्प है क्या? मतलब हमेशा याद रहेगा. खुद को कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं आप. सुन के बस देखते हैं मेरे पास, क्या देखते हैं मेरे पास? आपको काम है जब चीज़ें कुछ समझ में आए तो यू शुड मेक श्योर यू आर राइटिंग इन द बुक. हमारे दिमाग का तो कोई भरोसा रहा ही नहीं है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, ध्यान रखने का नहीं होता, लिखने का होता है. चलो आगे बढ़ूंगी मैं. अरे बोलू क्या? चलो आ जाओ. नो कंपनी शैल अपॉइंट और री अपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स MD, WTD और मैनेजर फॉर टर्म 5 years एट अ टाइम. क्या बोल रहे हैं? एक MD WTD मैनेजर 5 साल तक काम कर सकता है. कितने? एक बार उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ही कैन वर्क फॉर 5 years. वहां पे लिखा है टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years. मतलब उसका अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए हो सकता है क्या? यस, 3, 4, 5 यस, बट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 5 years. एक बात बताओ वो कितने बार और अपॉइंट हो सकता है? एक MD को अपॉइंट किया 5 साल के लिए, तो कैन ही बी अपॉइंटेड अगेन नेक्स्ट टाइम? कितने साल के लिए? और अब उसके बाद में कूलिंग पीरियड? ए सोच समझ के बोलो. हाँ बेटा क्या कुछ भी बात कर रही हो आप? एक MD 5 साल के लिए काम करेगा अपॉइंट हुआ तो अगली बार और एक बार 5 साल के लिए, उसके बाद में क्या होगा? थोड़ा सोचो, बोलो तुम्हें क्या लगता है? कूलिंग पीरियड नहीं होगा, मतलब जन्म जन्मों का शादी हो जाएगा. सोच के जवाब देना, लॉजिक. बोल भाई बोल, तुझे क्या लगता है?
नहीं होगा, मतलब अपॉइंट हो गया तो और अपॉइंट होगा, और अपॉइंट होगा, अपॉइंट होता रहेगा। कमाल करते हो, ऐसे थोड़ी ना होगा, अपॉइंट होगा बार बार। यस, वो अपॉइंट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। एमडी मुकेश कब से चला रहे हैं वो? एक कंपनी का एमडी वो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, पांच पांच दिन ऐसा कुछ नहीं इधर। वो एमडी है, एमडी इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, जाएगा और आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, आते ही रहेगा। कब तक? मरते दम तक, जब तक है जान, जब तक है जान। अरे बोलो, जब तक है जान? नो, मैक्सिमम 70 ईयर्स। 70 साल के ऊपर वाले इंसान को एमडी बनाना खतरे से खाली नहीं। जो इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता, कंपनी को कैसे संभालेगा? 70 के ऊपर खतरा है, पर आपको इतनी ही मस्ती 70 से ऊपर वाले को भी अपॉइंट करना है, नो प्रॉब्लम, पास स्पेशल रेजोल्यूशन। इस समय देश में 2 लोग हैं जो 70 के ऊपर फिर भी एमडी है, नारायण जी एंड अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी विप्रो के ओनर, इंफोसिस के ओनर नारायण मूर्ति, क्रॉसिंग 70, स्टिल एमडी ऑफ द कंपनी, होल्डिंग पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल दो सक्सेसफुली कंप्लीटेड 70 ईयर्स। कैसे? 70 के पार होने के बाद भी अगर आपको लगता है वो आपका नेता होना चाहिए, तो कंपनी के आमतौर पर बीआर ओआर से काम चल जाता है। इनका बीआर के बाद में ओआर से काम नहीं चलेगा, बीआर एसआर लगेगा। 70 के ऊपर गया, 70 के ऊपर वाले बंदे को अपॉइंट करना है तो आपको लगेगा एसआर। आमतौर पर बीआर ओआर, 70 के ऊपर मतलब सोचो कंपनी के 75% से ज्यादा अगर लोग ये कह रहे कि नारायण मूर्ति ठीक है तो ठीक है ना। लॉ क्या बोलेगा? ठीक है भाई, तुमको इतना अच्छा तो क्या वो क्या दिक्कत है? तो मैं अगर लगता हूँ मेंटली अभी भी ठीक चल रहा है, कैपेबल है, फिजिकली फिट है, तो लेट हिम बी अ डायरेक्टर, नो प्रॉब्लम। बोल दो भाई, इज इट? आगे, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, सो उसको 4 साल होने के, मतलब 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल किया, 4 साल किया, 4 साल खत्म होने के बाद 5वां साल जब उसका रनिंग होगा, काम करने का अंतिम वर्ष, उसी साल उसको बताओ कि तू अगले साल रीअपॉइंट होने वाला है। उसके पहले एक खबर मत दो, गुड न्यूज उसको पहले मत दो। बताओ क्यों? लॉजिक क्या है? काम नहीं करेगा ना वो, उसको पहले पता होगा कि तो नहीं, 1 साल में उसको मान जाएगा कि अगले 5 साल भी तू ही है, वो तो मस्ती में आ जाएगा। He will not work with dedication because call me anyways I will be elected. So why he will be motivated? तो उसको बोलते हैं, उसको ये खुशखबर पहले मत दो, अपॉइंट करो उसको ही, पर पहले 4 साल में डिसाइड मत करो, 5वें साल बताओ कि ये साल जैसे खत्म होगा उसके बाद में भी तू ही चाहे। Is it okay? Next, आगे, disqualification. कहते हैं ये disqualification है for appointing a person as a MD, WTD and what? Manager. Firstly, he shall not be disqualified for the appointment as a director under section 164. क्या लिखा है? क्या लिखा है? वाह! Can you please tell me what is the difference between section number 164 and this section? दोनों में भी disqualification की बात हो रही है. 164 talks about disqualification. This section is also talking about. अब can you please recall 164 क्या है? 164 1 and 2. 1 में unsound mind, undischarged insolvent, apply भी किया होगा, imprisonment. उसके बाद में किसी ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने बोला होगा, दिन नहीं है, 6 महीने से कॉल मनी के पैसे देता नहीं, और साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के 8 साल भी खत्म नहीं, 5 साल भी खत्म नहीं है। उसके बाद में 164(2) की भी बात है, ए एंड बी, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से अगर एक भी सबमिट नहीं किया हो, और 2 में क्या लिखा है? DDD. अब बता दो क्या बोलना चाहता हूं? तो वो डिस्क्वालिफिकेशन तो ये क्यों है? ऐसा वो भी और ये भी, इसका मतलब क्या है? ये भी और वो भी मतलब क्या? वो है तो ये क्यों? दो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एवरी डायरेक्टर वेदर ही इज एमडी और नॉट, WTD और नॉट, बट डज नॉट मीन कि वो एमडी WTD को नहीं लगते, वो जो है एमडी WTD को भी लगते और आम डायरेक्टर्स को भी लगते, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली एमडी WTD और मैनेजर्स को लगते। अर्थात
एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को बनना है तो उसको वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन भी चेक करना पड़ेगा और साथ साथ में नीचे दिए हुए चार डिस्क्वालिफिकेशन को भी चेक करना पड़ेगा। इतने डिस्क्वालिफिकेशन क्यों है इसको? बिकॉज ये बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा है, इसलिए उसको ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। अगर इनमें से भी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। मतलब टू एमडी टू बिकम एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 164 एज वेल एज 196 सबसेक्शन 3। ये दोनों को जुगलबंदी करना पड़ेगा, मतलब वो भी पॉइंट्स देखना पड़ेंगे, ये भी देखना पड़ेंगे, इनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर डिस्क्वालीफाइड हुआ ना तो ही कैन नॉट बिकम एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। बराबर क्या? अब आपको क्या लग रहा है जब आप ये पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ रहे हो तो डज नॉट मीन सिर्फ इतना ही एप्लीकेबल है। अगर मतलब एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना है तो डिस्क्वालीफिकेशन कितने होंगे? 196 सबसेक्शन 3 का तो होंगे ही, साथ साथ में 164 के भी होंगे। ये पूरे डिस्क्वालीफिकेशन आपको चेक करना पड़ेगा क्या बनने के लिए? एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, सही है? आगे हाँ जी, नो हाँ, उनको मैनेजर को भी, हाँ मैनेजर इज अपॉइंटेड एक स्पेसिफिकली, अगर डिन को अगर छोड़ते हैं पर बाकी हर कोई चीज जो हम लोग चेक करते हैं वो उनको भी करना पड़ती है। बट मैनेजर्स के डेफिनेशन में लिखा है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर। मैनेजर्स आर, मैनेजर्स जनरली कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में का खुद का कोई बंदा नहीं होता, इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी होशियार आदमी को सीईओ बोल के अपॉइंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अपना क्या नाम उसका, सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल। ही इज नॉट एमडी ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ गूगल। लैरी पेज और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह समझा कि ये सुंदर पिचाई जो हमारा इंडिया का बंदा है उसका कैलिबर बहुत अच्छा है, तो उन्होंने सुंदर पिचाई को सीईओ बोल के अपॉइंट किया। तो अक्सर सीईओ होता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि कोई तो एक, भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है पर ये बंदे में कुछ तो बात है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो उसको वो अपॉइंट करते हैं। जनरली सीईओ का कॉन्सेप्ट ही होता है, उसका नाम ही नहीं, चीफ एग्जीक्यूट करने वाला ऑफिसर है, उसके नाम में डायरेक्टर नहीं है। समझ गए? इज इट ओके? आगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, उसकी बिलो द एज ऑफ व्हाट 21 इयर्स एंड हैज अटेंड द एज ऑफ व्हाट 70 इयर्स। इसका मतलब क्या है? उसकी उम्र 21 से कम नहीं चाहिए और 70 से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से कम वाले क्यों नहीं, 21 से कम वाले बच्चे क्यों नहीं है? ट्वेंटी वन से पहले आदमी इतना ना समझ होता है, इतना इज नॉट यू नो मैच्योर्ड इनफ टू रन द कंपनी, नहीं बन सकता ऐसे बंदा। 21 से उम्र कम जिसकी होगी, शादी करने की कम से कम उम्र कितनी होती है लड़कों की और लड़कियों की? 18। लड़कियों के लिए मिनिमम एज 18 है और लड़कों के लिए 21 साल। सही है, लिखा है। मतलब दुनिया में जितने भी समझदारी वाले काम है उसके लिए एक पर्टिकुलर एज होना जरूरी है, चाहे वो शादी चलाना हो या कम नहीं चलाना। समझ में आ रहा है? एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कोई भी बड़े बड़े काम करना तो एज चाहिए, नाबालिग लोगों को भेजेंगे तो क्या कंपनी चलाएगा वो? पर मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरा फ्रॉम हैदराबाद, ही बिकेम एमडी एट द एज ऑफ 18। हाउ? नहीं, ऐसा तो 70 के ऊपर वाले बुड्ढों के लिए। या तो स्ट्रेट अवे लिखा है 21 से कम वालों को न बनाएं और 70 से ज्यादा वाले को बनाना है तो एसआर पास करें। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी नहीं, वो कैसे बना क्या बना अभी इतना समझो, 21 से नीचे वाला बच्चा नहीं बन सकता और 70 से ऊपर वाले बनाना है तो हैव टू पास। क्या लिखा है? Provided that the person who has attained the age of 70 years may be appointed to such office by passing what? SR, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointment. मतलब ऐसे बंदे, मानो नारायण मूर्ति अगर 70 साल के हो चुके हैं और 71 एज चालू हुआ ना, आप चाहते हो उनका अपॉइंटमेंट हो जाए
तो उसके लिए नोटिस तो पास करना पड़ेगी, बिकॉज आपको ओआर पास करना है। क्या आप एसआर पास करना है? एसआर पास करना है। अरे एसआर पास करना है, एक लिखा है, कहाँ था एसआर? अगर एक है तो एसआर तो पास करना है। तो एसआर पास करने से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगी, कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। तो उस नोटिस में लिख के जाना चाहिए आखिर आप क्यों चाहते हो कि ये इतना बूढ़ा आदमी भी आपका एमडी बने, इज इट ओके? तो नोटिस में पूरा डिटेल्ड में जाना चाहिए आखिर क्यों चाहते हो। आगे बट क्या लिखा, नो एसआर इज पास अपॉइंटेड फॉर सच बाय पासिंग एसआर। और अब ये बोल रहा है कि अगर आपने एसआर पास नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, एक बार पूछना था। एक मुझे इतनी बात पूछना है आपसे, अगर मैं आपको एक केस स्टडी दूं तो आप मुझे क्या जवाब दो? फॉर एग्जाम्पल ही वॉज, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार चेक करना, नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज वॉट एम डी डब्ल्यू टी डी डायरेक्टर 21 एंड 70। मान लो 68 के एज में अपॉइंट हो गया था 5 साल के लिए, में अपॉइंट हुआ तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर क्या 70 के बाद कंटिन्यू कर पाएगा क्या? ऐसा कहां लिखा है, कहीं लिखा है क्या, एक बार चेक करो। नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट, अरे लिखा है नहीं क्या? अर्थ क्या हुआ इसका? 68 के एज में अपॉइंट होगा, काम कब तक कर पाएगा? बराबर है, ओके। और 70 के बाद, मतलब 68 में जिस दिन अपॉइंट हुआ था वो, बोलो ना, तो वो 2 साल के लिए अपॉइंट होगा, ओआर से करना है तो बराबर कर, वही मैं बता रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 इयर्स मे बी अपॉइंटेड टू सच ऑफिस। 70 साल के बाद में अगर आप उस बंदे को अपॉइंट करना चाहते हो तो यू आर सपोज टू पास व्हाट? पर अगर आपको लगता है कि एसआर नहीं पास करना, नो सच एसआर इज पास्ट, बट वोट्स कास्ट इन द फेवर ऑफ अ मोशन एक्सीड्स द वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द मोशन एंड द सीजी इज सैटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द बोर्ड दैट सच अपॉइंटमेंट इज द मोस्ट बेनिफिशियल टू द कंपनी द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 70 यूएस मे बी मेड। अब बताओ क्या बोलना चाहिए सर? क्या बोल रहे हैं? अगर आपको नहीं पास करना है सर कोई बात नहीं, यू कैन पास ओनली वॉट, ओ आर। पर अगर ओ आर पास हुआ और फिर भी आपके, देखो क्या हुआ कि 100 लोग बैठे थे, 60 लोग बोल रहे यार नहीं अच्छा है, अच्छा है बंदा अच्छा है, पर लॉ में तो लिखा 75 होना चाहिए। अब 60 लोग क्या करें? 60 लोग के पास में और एक चांस है कि वो सी जी को रिक्वेस्ट करेंगे, हे से भारत सरकार देख, हम भले ही 60 एस आर पास नहीं कर पाए पर हमें पता है, हमें प्रूव कर सकते हैं कि नारायण मूर्ति से अच्छा बंदा कोई नहीं है। अगर उस समय सीजी अगर आपको हाँ बोल दे तो एसआर नहीं भी पास किया तो चलेगा, इज इट ओके? तो बोलो पॉइंट वन क्या है, एसआर पास करो। पॉइंट नंबर टू क्या है, एसआर पास नहीं किया तो चलेगा, ओआर भी रहा तो चलेगा, इन केस व्हाट सी, और सीजी आपको हाँ कैसे बोलेगा ना जबरदस्ती? सीजी भी 1000 चीज चेक करेगा, ड्यू डिलीजेंस चेक करेगा, और सीजी को भी लगता है नहीं नहीं सच में बंदा अच्छा है, देन फिर उस केस में ओआर से भी काम चल जाएगा, एसआर पास करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड टेक द परमिशन फ्रॉम सीजी। अब ध्यान से सुनना, अभी तक की एक कंडीशन खत्म हुई है 21 एंड 70 वाली। अब दूसरी कंडीशन क्या लिखे, इज एन व्हाट अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और हैज एट एनी टाइम बीन एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट। अच्छे से पढ़ना, उसको क्या लिखा, ही हैज व्हाट, कभी भी जिंदगी में उसका अगर दिवाला निकला हो, has at any time been adjusted का मतलब क्या होता है इंग्लिश जस्ट की अच्छी बताओ क्या है? एक तो दिवाला निकल चुका है, अभी इस समय दिवाला चल रहा है उसका, या फिर जिंदगी में कभी भी उसका दिवाला निकला हो, समझा गया कितनी कठोर कंडीशन है? मतलब आज का दिवाला नहीं, आज एकदम साउंड है वो, 25 साल पहले उसका कभी तो दिवाला निकला था, तो एमडी बनेगा क्या वो? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लिख के दिया है, Has at any time been adjusted? कभी भी हुआ होगा, समझा मैं क्या बोलना चाह रहा था? बता दो बातें कौन सी थी? किसी को भी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना है, आगे बोलो, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना है, आगे बोलो, तो 164 के डिस्क्वालिफिकेशन तो फॉलो करना ही पड़ेंगे, साथ साथ में 196 के भी करना पड़ेंगे। 196 में पहली बात थी 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा उसका दिवाला ना कभी निकला था
नाक अभी निकला है. तीसरी बात, हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और मेक्स और हैज एट एनी टाइम मेड अ कंपोजिशन विद देम. क्या बोल रहा है रही है? कभी भी अगर इसने अपने जिंदगी में किसी भी क्रेडिटर को धोखा दिया हो तो ये बंदा MD WTD मैनेजर बनने को एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है. क्या लिखा है? हैज एट एनी टाइम कभी किसी सस्पेंडेड पेमेंट टू सस्पेंडेड समझता है सीधी टोनिंग से समझ रहा है मतलब कभी भी इसने क्रेडिटर को डुबाया हो पैसे न चुकाया हो जीवन भर में कभी भी या कभी सेटलमेंट करने का टाइम सेटलमेंट कुछ की हो तो ऐसे बंदे को जिसने आज तक जिस भी फॉर एग्जाम्पल आज तक जिस भी कंपनी में कोई डायरेक्टर बना होगा वहां के डायरेक्टर्स वहां के क्रेडिटर्स को उसने पैसे कभी दिया ही नहीं. हैज एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंटेड टू हिज क्रेडिटर और मेक्स और हैज एट एनी टाइम मेड अ कंपोजिशन विद देम. समझा? मतलब वो उधारी के पैसे लेता है पर चुकाया नहीं. अगर वो ऐसा बंदा होगा तो उस केस में उसको MD WTD. मुझे बताओ किसी ने अगर अपने जिंदगी में पैसे नहीं चुकाया तो उसको MD WTD क्यों नहीं बनने दे रहे? क्या कनेक्शन नहीं बनने नहीं देता पैसे वो. आप जिसको बनाने जा रहे हो कंपनी का सुप्रीम अथॉरिटी बनने जा रहे जिसके बुनियाद पर कंपनी का सक्सेस और फेलियर डिसाइड होगा ऐसे व्यक्ति को कैसे बनाएंगे? वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं चाहिए. अगर मान लो वो विजय माला है आज तक क्रेडिटर के पैसे दिए नहीं, विजय माला एप्लीकेबल ही नहीं इस चीज को, पैसे देता ही नहीं लोगों को, लेता है सिर्फ. नीरव मोदी बन ही नहीं सकते, सिर्फ पैसे लेते हैं लोग, देते थोड़ी ना. आप समझे ये क्यों लगा है कंडीशन? ये कंडीशन लगाया क्यों? ताकि फिर से विजय माल्या और नीरव मोदी पैदा ना हो. अगर उन्होंने पैसे डुबाए तो इसका मतलब वो जीवन भर MD WTD बनने लायक नहीं है. क्लियर? बोलो तीन बातें कौन सी? 21 से कम, 70 से ज्यादा. दूसरी बात, दिवाला निकला है, निकल चुका था. तीसरी बात, चौथी बात, हैज एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन व्हाट. यहां पे लिखा है एंड, लिखा है एंड, मतलब कभी भी उसका उसके खिलाफ का गुनाह प्रूव हुआ होगा और उसको जेल में भेजा गया 6 महीने से ज्यादा. अब बताओ यही चीज हमने 164 में क्या पढ़ी थी कि ये सेक्शन को 164 से सिंक किया हुआ है. हाँ, 164 भी यही कह रहा था, 6 महीने का चिंदी चोर नो प्रॉब्लम, 6 महीने से ज्यादा का प्रॉब्लम इफ इज, वो भी 7 साल तक और 7 साल से ऊपर आएंगे तो. पर यहां पे क्या बोल रहा है ये, कैसा 6 महीने से ऊपर अगर ये कभी जेल में तो जीवन भर ये MDW. वहां पे डिस्कॉलेशन सिर्फ 5 साल के लिए था, नहीं समझा? मतलब 7 साल तक अगर वो जेल में जाए, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की अगर उसकी जेल हुई हो तो जेल से आने के बाद 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहता है. यहां पे कहा भाई 6 महीने के बाद का अगर तुझे इंप्रिजनमेंट हुआ है ना तो तू हमारे नजरों में बहुत गिरा हो, तो कभी भी MD WTD. पर अगर तुझे आम डायरेक्टर बनना तो बन सकता है. मतलब कोई बंदा आप 5 साल के जेल में रहा होगा तो क्या बन सकता है वो? ही कैन बी अ डायरेक्टर बट ही कांट बी MD. समझा क्या? एक बात पूछूं मैं आपसे, जब मैं सेक्शन पढ़ा रहा था आपने कभी मुझसे एक सवाल पूछा नहीं जो मैं सोच रहा था आप पूछो. MD हो या WTD हो, है तो डायरेक्टर. तो ये जो OR है और वो जो OR पढ़ा था हमने 152-2 में, तो मतलब जब वो बंदा अपॉइंट हो रहा था ना तो उसको तो डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किए, तो तब तो और पास किए. तो क्या WTD उसको बनाएगा तब भी और पास करेंगे? ए सोच के जवाब देना, कुछ भी हां मत बोलना. वापस से बोल रहा हूं, वापस से अपने प्रश्न को दोहराता हूं. व्हेन ही वाज गेटिंग अपॉइंटेड तब आपने और पास किया, मे बी 160 के द्वारा आया होगा वो, कैसे भी आया हो उसका ओआर तब पास हुआ था. आप मुझे बताओ जब अपॉइंट किए तभी वो WTD बन जाता है, क्या पहले वो डायरेक्टर बनता है फिर उसमें से वो WTD बनता है तो और ओआर पास होता है, आपका समय शुरू होता है? सोचते कि दो दो आर, मतलब WTD बनने के लिए दो दो आर का संघर्ष करना पड़ेगा, दो दो मतलब पहले तो डायरेक्टर बनेगा सामान्य डायरेक्टर,
फिर उसकी उसी कैटेगरी उसकी औकात चेंज हुई, फिर तू बनेगा तू डायरेक्टर, तू WTD है। अच्छा क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला, देखो भाई बोले जिस समय अपॉइंट किया ना उसको तभी WTD बना दो, तो एक ओआर में काम हो जाएगा। आपने 196 में पढ़ा पहले BR पास करेंगे फिर OR पास करेंगे, तुम ही बताएंगे मुझे, एक ओआर है दो आर। थोड़ा सोच के देखिए, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ बराबर है, हमने अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया, इस बार होम मिनिस्टर बना रहे, पहले उनको तो लोगों ने जिताया एज ए MP, मतलब पहला रेजोल्यूशन तो लोगों ने पास किया उनको MP बनाया, और पूरे इंडिया में सारे जितने भी BJP के लोग हैं वो सब लोग को पहले एक रेजोल्यूशन से पास करके दिल्ली में भेजा गया। फिर उन सब लोगों में से कुछ लोगों को कैबिनेट मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। कैबिनेट किसको मिला आपको लगता है? डायरेक्टली अमित शाह बोला मैं बन गया होम मिनिस्टर तो बन गया क्या, क्या नहीं? क्या BJP की कोई अथॉरिटी, BJP कुछ बॉडी है क्या? नहीं, वो सारे लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया अमित शाह होम मिनिस्टर। सिर्फ लोगों ने अमित शाह को जिताया डज नॉट मीन अमित शाह कैबिनेट बन गए, समझा? दो बार रिजोल्यूशन पास हुआ अमित शाह के लिए, एक बार जनता ने पास किया, एक बार BJP के लोगों ने पास किया, तब जाके बराबर है। ये ऐसा ही है, डायरेक्टर बनाए OR से, अब वो सामान्य डायरेक्टर बन गए, अब उसको उसकी उच्च पदवी में जाना है, उसकी डिग्री हाई करना है, अगेन OR, आपकी बार OR पास होगा 203 में, सॉरी 196 में, समझ गए? तो पहला OR कहाँ पास हुआ? 160 में, फिर वो डायरेक्टर बन गए, हाँ बोले डायरेक्टर है। फिर उनमें से देखेंगे अरे कौन है रे भाई जो अपना WTD बनेगा, पहले वो डायरेक्टर बनेगा, फिर उनमें से एक बंदे का नाम सुझाया जाएगा बोर्ड द्वारा, बोर्ड सुझाती है ना, अरे लिखा है नहीं क्या हमने वो पढ़ा ना पहले से? नहीं 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 रुक, तुम लेट आए थे उसके पहले हुआ था ये तो पढ़ा ना हमने, अरे बोर्ड नाम सुझाएगा ना पहले, तो पहले बोर्ड बनेगा, पहले तो डायरेक्टर बनेगा वो, फिर उनमें से आपस में डिसाइड करेंगे भाई कौन बनेगा MD, तो नाम सुझाएंगे, फिर उसका OR पास, समझे? क्लियर है? देखो जितनी ज्यादा हम लोग ऐसे उसको अंदर अंदर जा जाके पढ़ेंगे ना तो उतनी सारी लाइनें क्लियर होती चलेगी, ठीक है ना? एक समय आएगा आपको सिर्फ चीजें एब्जॉर्ब होगी, हाँ सही 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 राइट। तो तब तक कितने हमने डिस्क्रिप्शन देखे, 4, 1, 21 से कम उम्र नहीं चाहिए, 70 से ज्यादा की नहीं चाहिए, और बताओ दूसरा पॉइंट क्या बोला? इंसॉल्वेंट, मतलब वो कैसा विजय माल्या जैसा नहीं चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं चाहिए। तीसरी बार क्या नहीं चाहिए? वो ऐसा बंदा ना हो जिसने आज तक क्रेडिटर के पैसे ना दिए हो। और चौथी बात, उसको 6 महीने से ज्यादा का अगर जेल हुआ होगा तो जीवन भर में वो कभी भी MD WTD मैनेजर नहीं बन सकता। पर क्या बन सकता है? 6 महीने से लेकर 7 साल तक अगर जेल हुई हो तो फिर भी वो डायरेक्टर जरूर बन सकता है। इज इट ओके? यस। कंपोजिशन मतलब आपने उनके साथ में तोड़ी पानी किया, उसको बोलते सेटलमेंट किया, हिज पर्सनल, उसने नहीं सेटलमेंट सुना, सेटलमेंट वर्ड है, मैंने तुमसे पैसे लिया नहीं दे पा रहा भाई, तो फिर मैं बहुत परेशान, तुम बोला यार जितने दे रहा उतने दे यार खत्म कर। आगे एक बात मैं पूछूं आपसे, उसके बाजू में लिखा Schedule 5 और Schedule 5 शाल बी रेड विथ सेक्शन नंबर 196। क्या बोला मैंने? Schedule 5 शाल बी रेड विथ सेक्शन नंबर 196। दर्द है वो किसका है? अब और एक डिस्क्वालिफिकेशन लगा दिया उसको, तो 196 चल के बोल रहा है सिर्फ मेरे अकेले के 4 डिस्क्वालिफिकेशन मत देखो, Schedule 5 की भी देखो,
इसका मतलब अगर एक बंदे को एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बना तो तीन परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा। एक परीक्षा 164 की, वहां से निकला तो 196 की, और 196 बोल रहे हैं रुक 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 भाई सिर्फ मुझे मत देख, वो बाजू में शेड्यूल फाइल लिखा है उसको भी देख। तो इसका मतलब तीन परीक्षाओं में पास होने के बाद में दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम एमडी डब्ल्यूटीडी। मतलब इतनी खतरनाक परीक्षाएं हैं उसकी, राइट? ओके, जरा चेक करें क्या लिखा है। शेड्यूल फाइव ऑफ टू द कंपनी सर, आपको पता है शेड्यूल क्या होता है? वैसे शेड्यूल थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा बनना चाहिए उसके शेड्यूल थ्री, हैव यू हर्ड अबाउट शेड्यूल थ्री? शेड्यूल फाइव, कभी भी कोई बंदा अगर एमडी डब्ल्यूटीडी बनना है तो उसके अंदर कौन से डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए शेड्यूल फाइव होता है। शेड्यूल फाइव में और एक चीज लिखी होती है, अगर कंपनी सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस उस केस में मैनेजर्स को कितनी सैलरी देना चाहिए उसके बारे में भी शेड्यूल फाइव में लिखा होता है। शेड्यूल सेवन एक आता है सीएसआर के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग कहाँ कहाँ पे पैसे लगाते हैं। तो ऐसे अलग टाइप के शेड्यूल्स दिए होते हैं। पर मेरा एक सवाल है, शेड्यूल क्या होता है? आई मीन एक्ट में क्यों नहीं लिखे होते शेड्यूल अलग से, क्यों एक्ट होने के बाद में लास्ट के पेजेस पे शेड्यूल लिखा होता है? अगर मैं बेयर एक्ट डाउनलोड करता हूं तो आखिरी के पन्नों पे शेड्यूल लगता है, तो शेड्यूल अलग से क्यों दिए होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सीए के छात्र है, क्वालिफाइड एग्जाम मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको लॉ पढ़ना है, डीटी है, आईडीटी है, जीवन उसमें, करियर उसमें, पैसे कमाना है, बहुत आगे जाना है, इंटरप्रिटेशन आना जरूरी है, शेड्यूल क्यों? जब एक्ट तो शेड्यूल क्यों लाते? एक्ट में लिख दो ना सब शेड्यूल। हाँ, मैंने आपको बताया जो एक्ट में नहीं आता वो रूल्स में आता है। रूल्स में क्यों आता, मैंने आपको उसका लॉजिक बताया था। व्हाई शेड्यूल्स? जो चीजें एक्ट में बार बार जरूरी होती है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम थिंग रिपीटेटिवली अगेन एंड अगेन, उसको एक बना के पीछे डाल देते और बार बार लिखते, वो चेक कर लेना। वापस बोलो, इफ यू नीड सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू राइट द सेम थिंग। अबे इतना बेर एक्ट है उसमें तुम वही चीज बार बार लिखोगे तो कितने पेजेस भरेंगे? तो क्या करते हैं, वो चीज बार बार लगेंगे ना, उसका एक नाम दे देंगे। अब बार बार आपको लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शेड्यूल थ्री जैसा होना चाहिए। तो सही होता है शेड्यूल थ्री एक ही बार लिख दिया पीछे, और अगर ऐसा नहीं होता, हाँ बैलेंस शीट ऐसी होना चाहिए, डाल छह पेज, और दूसरे पेज बैलेंस शीट ऐसी होना चाहिए, ऐसी ऐसी होना चाहिए, मतलब छह छह पेजेस हमने 25 बार लिख के रखे पूरे बेर एक्ट में। इट्स अ बेटर टू राइट दोस 6 पेजेस ओनली वंस इन द शेड्यूल, और बार बार शेड्यूल का रेफरेंस देते। इसलिए आप कभी भी सीए वाले के एफआर की क्लास की होंगे ना, शेड्यूल थ्री वर्ड सुना नहीं क्या? अबे तुम करते क्या हो? एफआर की क्लास में शेड्यूल थ्री नहीं सुना तो कहाँ सुनी फिर आपने? इंडेस और इंडेस। अच्छा सच में तो तुम्हें शेड्यूल थ्री पता नहीं? अच्छा, यू नो अबाउट दैट, राइट? वेरी गुड, ऑसम। अब मैं थोड़ा इस बात पर सबके लिए चाय ले गया था, ठीक है? आज बहुत भारी पड़ने वाले लोग, सुन इधर देखो, मेरे पास इधर मेरे पास देखो एक सेक्शन है जिसका नाम है 129। क्या बोला मैंने? 129। एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट कह रही है 129 सेक्शन में कि हर किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। नीचे लिखता है हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड एज पर फैट FAT। उसमें क्या लिखा है? शेड्यूल थ्री जैसा होना चाहिए, फॉर्म मतलब उसका शेड्यूल थ्री जैसा होना चाहिए। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, एंड टी माने ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ए माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, टी माने ट्रू फेयर होना चाहिए, और शेड्यूल थ्री को फॉलो करना चाहिए। ऐसा उसका मतलब है फैट होना चाहिए। अब ऐसा कौन बोल रहा है? कंपनी चेक कर रहा है। अब आप समझे एफआर सब्जेक्ट में आप शेड्यूल थ्री क्यों फॉलो करते हो और क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो? एफआर में क्या होना चाहिए एफआर नहीं बोलता है, एफआर में क्या होना चाहिए ये लॉ कहता है। इसलिए एफआर अपने आप को उसके से मोल्ड करता है। अंडरस्टैंड करो, दुनिया में लॉ पहले आया कि अकाउंट्स पहले आया? लॉ। इसलिए आप अकाउंट्स पढ़ते हो। अगर लॉ में पूरे लॉ में कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 129 नहीं होता ना, आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट होता ही नहीं। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं। 129 कह रहा है हर कोई कंपनी को बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, शल मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एज पर शिल्द्री. ऐसा कौन बोल रहा है 129? इसका मतलब भारत के हर कोई कंपनी बनाना जरूरी है. इसका मतलब आपको सिखाना जरूरी हो गया क्योंकि आप अकाउंटेंट बनने वाले. सोचो 129 नहीं होता तो आपकी रोजी रोटी नहीं होती, और 129 के साथ में 139 होता तो हम लोग को कुछ भी सीए छोड़ना पड़ता. सर इतने भारी सेक्शन से 129 अकाउंटिंग करना जरूरी है, 139 उस अकाउंट को ऑडिट करना जरूरी, वो भी सीएच करेंगे. तो दो सेक्शन है जो हमारे रोजी रोटी का जरिया है. हम खाते हैं 129 139. आपकी कैसे सीएफ हम यहां बताओ, वही तो काम करते हैं. बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट कौन बोलता है इनको बनाने के लिए? अकाउंट बोलता क्या बनाओ? अकाउंट कोई लॉ नहीं होता है. अकाउंट सिर्फ समझाता है कि अकाउंटिंग ऐसी करते. अकाउंट सब्जेक्ट कभी लॉ पनिशमेंट की बात नहीं करता. 129 139 कहता, अगर तुमने अकाउंटिंग नहीं किया ना, लगाओ क्या पनिशमेंट, भेजू क्या जेल में? फिर डर के मारे लोग फिर अकाउंट्स पढ़ना चाहिए. हाँ ठीक है भाई, जेल में मत भेज, मैं अकाउंट्स पढ़ता हूं. इसलिए आप अकाउंट्स की क्लास करते हो. तो सब्जेक्ट का अस्तित्व ही पता नहीं, सिर्फ अकाउंट्स की क्लास करने चले गए. पूरा एफआर हो गया ढोकलो. ये पता नहीं एफआर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे लॉ में लिखा है. तो पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था आपने, और फिर क्या पढ़ना चाहिए था? और आपने तो उल्टा कर लिया, पूरा एफआर पढ़ के आ गए चीचोरो, और आप पढ़ रहे लॉ में क्या है? जान दो. एनीवेज मेरा काम था बोलना. आपको पता होना चाहिए हमें एफआर को इतने इज्जत से क्यों पढ़ते. एफआर की इज्जत बहुत ऊपर है इसीलिए क्योंकि लॉ में उसकी इज्जत दी है. दो सेक्शन याद रखना जिंदगी में. सीए बनने में कोई भी सेक्शन बोला चलेगा 129 130, जो हम जिसकी वजह से हमारे घर में खाना खाएंगे. खाना खाना खाते हम लोग, नहीं तो जाना पड़ेगा बाहर. 129 की वजह से अकाउंट मेंटेन करते, 139 की वजह से ऑडिट कंपलसरी होता. अगर दोनों सेक्शन नहीं होते तो सीए की इज्जत कौन करता, समझे? तो इसलिए कंपनीज एक्ट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस. ओके चलो आओ. अब ये शेड्यूल के ऊपर से ज्ञान दिया था मैंने, बताओ शेड्यूल फाइव क्या पढ़ाया मैंने इतना? मैंने शेड्यूल फाइव के बारे में कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ शेड्यूल के बारे में चर्चा की. व्हाट इज शेड्यूल? उन चीजों को घड़ी घड़ी लिखने से अच्छा बोलो ना आगे. इट्स अ बेटर टू राइट एकदम आखिरी में बेरात के पीछे थोक दे दो, ये शेड्यूल थ्री है, उसमें लिख देंगे. बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए. तो जब जब भी शेड्यूल थ्री नाम आएगा वो पूरा फॉर्मेट वापस ड्रॉ नहीं करेंगे, वो सिर्फ शेड्यूल थ्री. तो वैसा शेड्यूल फाइव है. अब बताओ शेड्यूल फाइव क्या बोल रहा है? Has a prescribed additional condition. ऐसा additional क्यों word use किया पे? Additional. मतलब 164 तो follow करना है, 196 तो follow करना ही है, ये additional है. For MD WDD manager to be eligible for the appointment without. सर ये without approval of CG क्यों लिखा है? सुन के लेना. कितनी conditions में? A, B, सी डी है क्या? सी डी ए बी सी डी में से चारों कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं की और फिर भी आपको MD WDD मैनेजर बनना है तो आपको CG के पास जाना है. और आप बोलेंगे मैं CG के पास क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना. मत जा भाई, कोई बात नहीं, फिर चारों कंडीशन फुलफिल कर ले. CG का नाम नहीं लेना, CG के नाम लेने की जरूरत नहीं है. अगर ये चारों में से कोई भी कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन आपने नहीं किया है तो फिर BR और ORC काम चल जाएगा. यदि आपको CJ से डर लगता है नो प्रॉब्लम, चारों कंडीशन फुलफिल करो. पर जैसे चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, BR OR के साथ में CJ का भी लगना जरूरी हो जाए. तो BR OR तो लगने चला, ये चार कंडीशन नहीं फॉलो तो और एक बर्डन आएगा. क्या लगेगा? रीड द फर्स्ट पॉइंट अच्छे से पढ़ना, ए वाला पॉइंट. Imprisoned लिख रहा है, imprisoned मतलब क्या बोल रहा है? जेल में. क्या बोल रहा है? जेल में. एनी पीरियड मतलब क्या? 6 महीने. अबे ओए ओए, प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम. 196 टॉक्ड अबाउट 6 महीने से ज्यादा. ये बोल रहा है एक दिन भी अगर तू चिंदी चोर भी ना तो तू MD WDD नहीं बन सकता. अरे इस लॉ का क्या करे?
ये कभी तो कुछ बोलता है, 164 में तो कुछ अलग बोल रहा था। क्या बोला था? 6 महीने के ऊपर भी रहा है, 7 साल तक भी रहा, तभी भी बन सकता, फिर 5 साल। अब ये 196 ने क्या बोला? नहीं नहीं, 6 महीने के ऊपर कोई भी राना नहीं बन सकता। अब कह रहे हैं ना, रुको, एक दिन में भी जेल में गया ना तो नहीं बनेगा। पर वहां पर लिखा है ऑफेंसेस अंडर, इंडिया में लाखों एक्ट है, उन लाखों एक्ट्स में से, लाखों लॉज में से 16 चुने हुए एक्ट है जो भारत सरकार जिसके लिए बहुत सेंसिटिव है, और उसमें एक नाम इनकम टैक्स भी है। इसका मतलब क्या है? कोई ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और 1101 रुपए की फाइन दी आपको, तो अब MDWD नहीं बन पाएंगे? बन पाएंगे, क्योंकि इन 16 एक्ट में से ट्रैफिक पुलिस एक्ट नहीं है। यहां पे लिखा ना 1000 रुपए का फाइन भी लिखा, देखो। पर अगर आपने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ की और जिसके चलते आपको एक दिन की सजा हुई, या आपको 1000 रुपए के ऊपर फाइन लगा, कौन से 16 एक्ट में से एक एक्ट है इनकम टैक्स। अरे यार, 16 एक्ट के नाम याद नक्को करो, नहीं बोला है आपको, आपसे क्या को अंदर जा रहे हैं। उन 16 हजारों एक्ट है, उसमें से 16 एक्ट है, वो कौन से 16 होंगे? मतलब जिसकी जलती, जिसकी जिसकी गलती कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो 16 कौन से? आप बताओ 16 कौन से होंगे? कोई भी 16 नहीं होंगे, चिल्लर छपरी 16 एक्ट नहीं होंगे। मतलब वो ऐसे 16 होंगे जो जहां की कोई भी गलती भारत सरकार टॉलरेट करने के मूड में नहीं, उसमें एक्ट टेररिज्म के ऊपर। तो कुछ वो 16 में से, मतलब ऐसे वो कुछ भी 16, ट्रैफिक पुलिस गया, वो उसने मामा ने पावती दे दी आपको, 1100 रुपए दिया, तो मतलब अपने MD का चले गया, बोले तुम्हारे ऊपर 1100 लग गया, तुम्हारा MD चला गया। ऐसे थोड़े ना होंगे भाई, ऐसे तो चिल्लर तो कोई भी अपने फाइन दे देते लोग अपने को चलते। चिल्लर चीजों की फाइन और जेल का कोई मतलब नहीं है। ये वन 16 तमाम है, वो 16 है, बोले कौन से 16? वो 16 जो बहुत ही सेंसिटिव है भारत सरकार की नजर में। उन 16 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। अगर चाहिए तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कौन से 16 है, पर उसके ऊपर कोई प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है ना? अब बताओ, मतलब उन 16 में से, अब एक्ट को पूरा एक साथ पढ़ेंगे, अब लिंक करेंगे 196 को 3 को इसके साथ में। मतलब उन 16 के अलावा अगर आपको जेल हुई है 4 महीने की तो बन सकते हैं, उन 16 के अलावा आपको जेल हुई है 7 महीने की अब नहीं बन सकते। समझ गए? इज इट ओके? नेक्स्ट। और ये क्या बोल रहा है? ये और लिखा है, और 1000 रुपए, मतलब उसको जेल नहीं भेजा पर 1100 रुपए की फाइन दी। ये जेल एंड फाइन नहीं है। अगर उसको एक दिन की जेल भी हुई होंगी ना, तभी भी डिस्क्वालिफाइड। आगे, जेल नहीं भेजा, 1001 रुपए की फाइन दी, डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, he had not been detained for any period under the, इसको बोलते हैं कॉफी पोसा, क्या बोलेंगे इसको? कैफे नहीं बेटा, कॉफे, COFE, कॉफे पोसा ना मेरे वो, कॉफी पोसा शॉर्ट फॉर्म, इतना लॉन्ग फॉर्म कौन याद करेंगे? गूगल पे डालो, कॉफी पोसा डाल तो आ जाता है। सर किसके बारे में ये एक्ट? स्मगलिंग के बारे में, स्मगलिंग। और क्या लिखा है? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। नहीं चलेगा ये, स्मगलिंग समझता है? स्मगलिंग क्या कहते हैं सर? स्मगलिंग का कोई एग्जांपल दो। ड्रग्स, क्या बोला बेटा? ड्रग्स के बारे में कुछ बोला आपने, थोड़ा समझाओ ना, बच्चों को पता नहीं ड्रग्स का क्या होता है। क्या होता है स्मगलिंग में? बोलो ना, शर्माओ नहीं, तुम बोल के शर्मा रहे, लोग पी रहे हैं, तुम बताओ ना क्या क्या ड्रग्स का क्या बोला तुमने? मतलब ड्रग्स पीना स्मगलिंग माना जाता है? बिना ड्यूटी पे किए अगर कोई पाउडर बेच रहा है, बिना ड्यूटी पे किया क्या? एक्साइज के कस्टम,
कस्टम ड्यूटी के बगैर पे किया अगर आप कुछ काम, तो स्मगलिंग कहा जाता है उसको। दुबई से आपने गोल्ड लेकर आए, दुबई से गोल्ड लाए तो क्या, वो एयरपोर्ट पे खड़े रहते सारे ऐसे देखते, टेररिस्ट है। पर एक बार तो मेरी मम्मी का बैग चेक कर रहे हो, उनको क्या लगता है कि ये लेडीज सारा गोल्ड ही लेने जाती हुई दुबई में। और अगर मान लो ड्यूटी पे नहीं करके हम ऐसा कुछ करते तो हम लोग क्या स्मगलर माने जाते, राइट? और उसमें और एक लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्या? देखो फेमा नाम का एक एक्टर जिसमें लिखा था कि आप जरूरत से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, एक बंदा अपने हाथ में 2000 से ज्यादा का, $2000 से ज्यादा अपने घर में नहीं रख सकता। अपने घर पे आपको अगर रखना है तो रुपीज में रखो, बहुत डॉलर्स आपके पड़े तो आप दे दो फॉरेन एक्सचेंज के वास्ते, आप रुपीज में कन्वर्ट करो। वो फेमा में हम लोग पढ़ेंगे, आपका ये एक्ट है फेमा। तो अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ तो इसमें आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MD WT आप नहीं बन पाओगे। समझ गया मैं क्या बोलूँ? गाइस कम ऑन। पर इसमें एक वर्ड लिखा है ना बड़ा खतरनाक है, इसमें जेल नहीं लिखी है, डिटेंड। डिटेंड समझता है क्या? डिटेंड हो रहा और इम्प्रिजनमेंट हो दोनों में फर्क है। डिटेंड का मतलब बताओ, चलो डिटेंड डिटेंड का मतलब समझता है? अरे इम्प्रिजनमेंट जेल नहीं है ये, डिटेन में तो क्या है कि ए लोरेन को अंदर, ए उठा उठा चलो, तुमको वहां पे लेके चले, कहां में? पुलिस स्टेशन में। हाँ शाम तक यही बैठे थे, इल्ले मत देना इसको, ए बैठा उसको यहाँ, डिटेंड हो गया। शक के बुनियाद पर आपको जेल में नहीं डाला उन्होंने, ए बैठा करके इसको, मतलब आपके ऊपर कोई डाउट है कि आपने स्मगलिंग किया है और आपको सिर्फ बिठा के भी रख देना, बिठा के जेल में नहीं डाला, सिर्फ बिठा है पुलिस के कस्टडी में रखा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं नहीं दोनों का मतलब समझो आप। अगर चाहते ना 16 के बदले ऊपर 17 लिख देते, उन्होंने कॉफी पोसा को अलग से इज्जत दी है। यानी कि अगर कॉफी पोसा में आपके ऊपर सिर्फ शक भी पहुंचा, शक के बुनियाद पर आपको सिर्फ डिटेंड किया उन्होंने, तभी भी यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम MD WDD, पॉइंट टू बी नोटेड। और 16 में क्या बोला था? डिटेंड नहीं, इम्प्रिजनमेंट, प्रॉपर जेल। समझा गया मैं क्या बोला? बेटा तुम्हारा नाम क्या? नूपुर, नूपुर। अब देखो नूपुर क्या था, CA की एग्जामिनेशन दिया है इसने और इसको बोर हो रहा था, तो चलो लेट्स पार्टी। तो नूपुर पार्टी करने गए तो एक गोवा में चले गए। अब देखो शौकीन है। तो जिस जगह पे पार्टी चल रही थी वहां पे सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था इन द सेंस वहां पे लोग ड्रग्स ले रहे थे, वो अपने डेबिट कार्ड के पाउडर देखे हुए, कभी उड़ता पंजाब जैसा सब कुछ चल रहा था। अब ये बेचारा जाके ऑफिस से खड़ा ही हुआ था, पर इंसान की जो किस्मत है वो भी अच्छी होना चाहिए। जैसे ही वहां पे खड़ा हुआ ये सिर्फ जाके देख रहा था, माहौल बन ही रहा था, जाके खड़ा हुआ, बेटा आएगा इधर देखो मेरे पास, ठीक है? अरे इधर देखो ना, अरे जाके से वहां पे खड़ा ही हुआ था, उत्ते में पुलिस आई और दरवाजे भी यही था। अब मुझे बताओ इसको, ये इसको पूछा नहीं उन्होंने, पहले धोया, इतना बजाया इसको, इसको बजाते बजाते बिल्कुल ये बोल रहा, मैंने क्या किया? बोले आप कौन हो? बोले मैं कुछ CA का स्टूडेंट हूँ। बोले आप क्या करने आए थे? बोले मैं सिर्फ देखने आया था। उसको और धोया। ऐसी बात में देखने आता, कम से कम पिया था और मारने मजा भी आता। अभी इसने पिया नहीं, कुछ नहीं किया, तो इसको पिए बगैर नशा हो गया, ठीक है? मुझे बताओ इसको, अभी पुलिस को लग रहा है झूठ बोल रहा है, इसको डिटेंशन में रखा उन्होंने, अब बाद में इसको पूछताछ करके इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, CA के इंटरमीडिएट का मार्कशीट देख के उसको छोड़ दिया। बोल रहे बंदा चरित्र पर कोई दाग नहीं है, CA कर रहा है, और उसको छोड़ दिया। पर कुछ घंटों तक उसके ऊपर डिटेंशन, तब नूपुर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम MD। बेटा जिंदगी में अब तुम MD WTD नहीं बन सकते।
और इसको बनना ही है। समझा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये भी और एक पॉइंट है, बहुत भारी है। देखो क्या लिख रहेगा, प्रोवाइड दैट द वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल। मान लो ये इसको बहुत धोया, नीपुर को धोया और डिटेंशन रखा, दो धो के उसको जेल में कुछ घंटे तक रखा, बाद में छोड़ दिया। अब इसको बनना है, अब इसको बोला तो डायरेक्ट तो बन नहीं सकता, अब क्या करना पड़ेगा तुझे? तो इसने सीजी के अप्रूवल ले भी लिया। टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड और डिटेन्ड अंडर, कन्विक्टेड कब रहे वो 16 एक्ट में, और डिटेन कब, ये कॉफी पोसा में। हा? और पैरा टू, एज द केस में बी नो फर्दर अप्रूवल ऑफ सीजी शैल बी नेसेसरी फॉर द सबसिक्वेंट अपॉइंटमेंट। अब बताओ नूपुर क्या पहला अपॉइंटमेंट हो रहा था डिटेंशन के बाद में, पहला अपॉइंटमेंट हुआ उसका, तो उस समय सीजी का अप्रूवल उसने ले लिया। अब उसका मान लो कि 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, आगे नहीं वांट्स टू गेट अपॉइंटेड, तो क्या वापस से सीजी का परमिशन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, यही बोल रहा है, दैट्स इट। मतलब डिटेंशन के बाद का जो पहला अपॉइंटमेंट होगा उसके पहले अगर सीजी का अप्रूवल लिया होगा तो सेकेंड टाइम उसका अपॉइंटमेंट होता है, आप क्यों लेगा बार बार, क्या करेंगे ना? एक बार सीजी ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं है, तो ठीक है आगे। Where the managerial person is in more than one company, he draws remuneration from one or more companies subject to the ceiling provided what? Part 5 of क्या बोलते हैं? 5 of part 2। ये क्या बोल रहा है मालूम क्या? ये आपको समझ में नहीं आएगा भाई। इसका reference है section number 197 से। यहाँ पे लिख दो सिर्फ 197। अब 197 पे आने के बाद मैं बताऊँ। अभी तो उसका बात बोलूँगा तो आधा घंटा जाएगा उसमें। और क्या लिख रहा है? He is a resident of India। मतलब resident of India बनेगा नहीं क्या? बनेगा। अरे ऊपर जो लाइन चल रही है ना वो नेगेटिव से स्टार्ट हुई है। मतलब अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेना है तो आपको वो रेसिडेंट होना जरूरी है। अरे ऊपर लिखा था कि अगर आपको, देखो यहां शुरुआत क्या होती, विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी आप काम कर सकते हो अगर उन 16 एक्ट में आपको 1000 रुपए का फाइन या एक दिन का भी जेल नहीं होगा। विदाउट सीजी के आप बन सकते हो MDWTD अगर कॉफी पोसा में डिटेंशन नहीं किया हो। उल्टा पढ़ो, विदाउट सीजी के अप्रूवल के अगर आप MDWTD बनना चाहते हो तो रेम्यूनेशन 197 की फॉलो करना चाहिए, और विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अगर आपको MDWTD बनना है तो यहां पे लिखा है आपका भारतीय होना जरूरी है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर जब मैं रेसिडेंट कहता हूं कई लोगों को लगता है भारतीय, नेशनलिटी डजंट मेक एनी डिफरेंस, अंडरस्टैंड। रेसिडेंट का मतलब पढ़ो क्या लिखा है, मतलब कोई भी बंदा, मान लो जो भारतीय, नेशनलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, रेसिडेंट मतलब पढ़ो अच्छे से, रेसिडेंट का मतलब क्या है? रेसिडेंट मतलब वो बंदा जो भले ही विदेशी हो, फिरंगी हो, फिर भी रेसिडेंट माना जाएगा। कब? वेस्ट स्टेड इन इंडिया। अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है, चलो। हियर रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स द पर्सन, इंक्लूड्स मतलब क्या रहे? जो भारत के लोग हो तो भारत के ही चाहिए, अपन तो सब वैसे रेसिडेंट है। अपन रेसिडेंट है क्या? अब जो अपन भारत के नहीं है फिर भी रेसिडेंट माने जाएंगे, अगर जैसे क्रिस गेल या फिर आतिफ असलम। पर्सन हु हैज बीन स्टे इन इंडिया फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजरियल पर्सन, समझा? And who has come to stay in India? क्या बोल रहा है वो? Appointment होने के कितने महीने पहले? Appointment होने के पहले 12 महीने से वो कहाँ था? भले ही वो भारतीय नहीं, वो क्रिस गेल है या वो आतिफ असलम है, बोलो अभी। आज अगर आतिफ असलम अपॉइंट हो रहा तो आगे बोलो। इमीडिएट पिछले 12 महीने से वो इंडिया में छे। अरे बोलो यार, इंडिया में छे, आगे बोलो क्या? नहीं नहीं, उसने आगे लिखा है And who has come to stay in India for, किसके लिए? ये दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, एंड लिखा है एंड, मतलब सिर्फ 12 महीने होने का कोई फायदा नहीं है। और वो इंडिया में आया क्या काम करने के लिए? नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी, या फिर इंडिया में कोई बिजनेस करने के लिए, अर्थात उसका इंडिया से बाहर जाने का इरादा नहीं है। अरे कोई आदमी धंधा डाल के बैठे तो वापस जाने का प्लान ही नहीं ना, मतलब ही वॉन्ट्स टू स्टे इन इंडिया, ही वॉन्ट्स टू सेटल डाउन इन इंडिया। बताओ भाई किसको रेसिडेंट कहेंगे? द पर्सन, देखो भाई सारे भारतीय तो भारतीय है, इंक्लूड्स लिखा है ना। अरे तुम्हारे लिए मेरे लिए तो पॉइंट ही नहीं है, हम तो वैसे ही, हमारा तो, हम करते कि हम भारत में ही रहते, 12 महीने में से 12 महीने इंडिया में छे।
गए तो दो चार दिन इंडिया के बाहर ऐसे, हम लोग शौकीन लोग हैं, इंडिया के थोड़ा बहुत घूमने जाते थे और क्या, 8-10 दिन का हॉलीडे करते इंडिया के बाहर, वापस आ जाते। तो हम तो वैसे रीजन, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो लोग इंडिया के नहीं, आगे बोलो, जो फिरंगी है उसको भी रेसिडेंट मानेंगे अगर वो जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उसके ठीक 12 महीने तक पहले वो इंडिया में ही था, और वो इस साल इंडिया में क्या कर रहा है, एक तो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी कर रहा है, या फिर बिजनेस करने, अर्थात वो इसका इंडिया से वापस जाने का इरादा नहीं है। बताओ क्यों? भारत के जो बंदे भारत के बाहर के हैं, जो इंडिया में रहते नहीं है, उनको MDWTD क्यों नहीं बनाते? अरे क्या हलवा है कि MDWTD बना रहे तो क्या फिरेंगे आदमी क्या करेंगे ना MDWTD बना के? MDWTD होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो 10 से 7 तक ऑफिस में रहता है। फिरेंगे हो गया ऑफिस में ला ले तो क्या करेंगे कंपनी का? MDWTD नाम मिल गया, फुल मतलब क्या है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दे शुड मैनेज कंपनी प्रॉपरली। ऐसे फिरंगियों को MDW होल टाइम का नाम है, होल टाइम डायरेक्टर, तो ये होल टाइम कैसे हो सकता है फिरंगी? तो उसका भारतीय होना जरूरी है, उसका भारत में स्टे करना जरूरी है बस। और क्या लिखा है हमें, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वैकेशन इन, इसको वैकेशन कहते हैं, वो वोकेशन होता है, वोकेशन, VO, वैकेशन इन इंडिया मतलब वोकेशन है, VO। आपने कभी इंग्लिश में देखना, कभी डिक्शनरी में वोकेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ अ बिजनेस, ये कुछ बिजनेस वेंचर के लिए आप इंडिया में। वो वैकेशन मतलब छुट्टियों पे है, वो वैकेशन नहीं है, अब बोलते ना वैकेशन पे गया, वो वैकेशन नहीं है, वो वोकेशन है, वो VO। आगे जाओगे मैं, क्या लिखा है, Expression 2, that this condition shall not apply to the companies in special economic zone as notified by departments of commerce from time to time. क्या बोल रहा है वो? This condition मतलब कौन सी? चौथी condition. किसके लिए applicable नहीं है? नहीं होंगी. Apply to the companies in special economic zone as notified by department. आपको मालूम है क्यों? जैसे ये मगरपट्टा सिटी में special economic zone में वो कौन सी कंपनी, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, Cognizant है, आवाज है, ये सब फिरंगी कंपनीज है, तो उनके लिए आप लेवल नहीं, बिकॉज उनके MDWTD तो रेसिडेंट हो ही नहीं सकते, नहीं समझेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम भारत के बाहर लोग बोलता है कि भारत में आओ बिजनेस डालो, दिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, तो मैं ऐसी कंडीशन लगाऊंगे तुम्हारा हर कोई आदमी MDWTD रेसिडेंट तो बोलेंगे भाई एक काम करो इंडिया में कंपनी नहीं लाता हूं मैं, हमारे बंदे क्या तुम्हारे लॉ के लिए वहां भी बैठे रहेंगे क्या? नहीं समझे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मगरपट्टा सिटी है क्या? नहीं। मगरपट्टा सिटी में फिरंगी सारी कंपनी है क्या? नहीं, मोस्टली सारी वही है, तो जाके देखो तो उनको ये कंडीशन 4th नंबर की एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड अदर पर्सन बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एंटर इंडिया ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग व्हाट, अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा फ्रॉम द कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड, फॉर दिस पर्पस सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अलॉन्ग विद द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल ऑफ द कंपनी एंड द प्रिंसिपल एम्प्लॉय टर्म कंडीशन ऑफ द, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो कभी भी इंडिया के, जैसे मुझे साउथ अफ्रीका जाना था, तो साउथ अफ्रीका जाने के लिए साउथ अफ्रीका का वीज़ा चाहिए, तो उसका ऑफिस इंडिया में था, पुणे में नहीं है, तो आई हैड टू गो टू मुंबई, और मुंबई में उसका वीज़ा ऑफिस है, तो उस वीज़ा ऑफिस में क्या करता है, उनका एक साउथ अफ्रीका का बंदा बैठा रहता है, और एक इंडियन आंटी थी, और साउथ अफ्रीकन उसका वहाँ पे बैठा था, एकदम ब्लैक, उससे भारी था एकदम, हाइट वाइट उसकी और पूरा ब्लैक, और मैं वहाँ पे गया, बोले मैं बोला वीज़ा चाहिए, अपन हॉलीडे के लिए जा रहे थे, 10 दिन के लिए जाना था साउथ अफ्रीका, तो वो पूरा पूछता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर अपने आधार चेक करता है, पैन चेक करता है, फिर पूछता है, और अपने जब हॉलीडे होता था फिर ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, क्योंकि अपना रिटर्न टिकट भी दे देता ना, तो अगर अपन बोल रहे हैं अपन जाना 10 दिन के लिए, तो अपने फिर उसने वीज़ा दिया कि जो तुमको टिकट निकालना है वो टिकट इस दिन से इस दिन के बीच के निकालना, मतलब तुम्हारा आने का जाने का, तो उसने डेट रखा भाई ये 1 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में, तो 1 जून से जाएंगे, 15 जुलाई के अंदर तुम वापस आ जाएंगे। तो बंदा यहाँ पे इंडिया में क्या चेक कर रहा है? बंदा इंडिया का नहीं है, वो है तो अफ्रीकन, वो बैठा इंडिया में चेक कर रहा है कि जो बंदे इंडिया से मैं भेज रहा हूँ कि टेररिस्ट तो नहीं, दैट इज द ऑब्जेक्ट, यू नो वीजा क्या रहता है अल्टीमेटली, उधर का बंदा इंडिया में बैठता चेक करेगा कि भाई ये आदमी जिसको देख रहा हूँ इसकी शक्ल सूरत उसके आधार कार्ड पे मैच हो रही क्या नहीं, मोर ओवर इंडिया का बंदा भी बाजू में बैठा है वो भी बोलता है नहीं नहीं बराबर है, तो मतलब वो दे इंश्योर कि जो बंदा उनके कंट्री में जाने वाला है वो कोई कांड तो नहीं करेगा उधर जाके, बराबर है? यही कांड, वो सब क्या समझा आपको इसमें से, क्या समझा इसमें से, अब बताओ क्या लग रहा है?
प्रोवाइड द पर्सन बीइंग नॉन रेसिडेंट इंडिया, मतलब क्रिस गेल अगर इंडिया में आ रहा है तो शैल एंटर इंडिया ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग, मतलब इंडिया में नहीं आ सकता वो, वेस्ट इंडीज में पहले क्या करना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज में जो इंडियन बैठा है वीजा ऑफिस में प्रॉपर एम्प्लॉय वीजा मीन फ्रॉम द कंसर्न इंडियन, कंसर्न इंडियन मिशन मतलब क्या? अरे जैसा मैं पुणे में गया था, मुंबई में गया था ना वीजा के लिए अफ्रीका में, तो उनके वेस्ट इंडीज में कौन होगा? उनके वेस्ट इंडीज में अपना इंडिया को तो बैठा होगा, वो क्रिस गेल उसको अपना चेहरा बताएगा, देख मैं क्रिस गेल, ये मेरा आधार, मैं जा रहा हूं, ये मेरा पैन, मैं जा रहा हूं इंडिया में, देख मैं बराबर जाऊ क्या? तो बोलेंगे जा, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अलोंग विद द वीजा एप्लीकेशन, वो तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, और क्या की कंपनी कि मैं इंडिया में कौन से कंपनी में अपॉइंट होने वाला हूं, वहां पे कहां पे कंपनी मुझे एमडी बनने मिल रहा है, वो सब कुछ कहां देगा वो? वेस्ट इंडीज के, और वहां पे अगर रिजेक्ट हुआ तो इंडिया में आ ही नहीं सकता ना, इसलिए बोलता है तू इंडिया में आके रिजेक्ट होने से तू उधर ही रिजेक्ट हो जा, इसलिए कई लोग के वीजा रिजेक्ट हो जाते स्पेशली यूएसए के, मालूम है आपको, लोग बोलते ना यूएसए का वीजा नहीं मिलता, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, पर वहां का वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो ऐसा है बस। तो चलो मतलब बता दो, भारत के बाहर के बंदे को अगर इंडिया में लाना है, मतलब ये अपने तक ये जो पढ़ा ना हमने, ये पॉइंट फोर के लिए इतना कार्यक्रम किया हमने, होता ना रेसिडेंट, ऊपर वाले तीनों पॉइंट भी ज्यादा शांति वाले थे, ये चौथे वाले ने क्रांति की है। पहले तीन पॉइंट कितना ईजी था, कुछ नहीं था उसमें, क्या बोल रहा था वो, बोले वो कॉफी पोसा वाला एक पॉइंट था डिटेंशन, ये बच्चा नूपुर जो इसको बजाए, उसके पहले पॉइंट में 16 एक्ट वाला पॉइंट था, और तीसरे पॉइंट में क्या था रे वो जो मैंने पढ़ाया नहीं बने कहा था 197 में, और ये चौथा पॉइंट हौला पॉइंट है, क्या बोल रहा है रेसिडेंट नहीं चाहिए, मतलब रेसिडेंट चाहिए अगर इंडिया के लोग तो वैसे ही अलाउड है, और फिरंगियों को मस्ती है इंडिया में एम डी डब्ल्यू डी बनने की, तो बन सकते अगर वो इंडिया में पिछले 12 महीने से रह रहे हो, आगे बोलो भाई, और इंडिया में बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, और वो भी इंडिया के अंदर आने से पहले उन्होंने, वैसे तो वो आता ही नहीं, वैसे तो इंडिया में अगर वो लिख के देगा मैं हॉलीडे पे जा रहा, तो फिर हॉलीडे का वीजा होगा उसको 8-10 दिन में तो वापस जाना पड़ेगा, वो बोलेगा मैं काम करने जा रहा तो उसको सब लिख के देना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में तुम एमडी बनने वाला है, कब बनने वाला है, उस कंपनी का लेटर चाहिए उसको, मतलब क्रिस गेल को अगर मान लो रिलायंस ने अपना एमडी बनाना है तो रिलायंस कंपनी का लेटर जाना चाहिए किसको, और क्रिस गेल उसको बताएगा, वेस्ट इंडीज का जो बंदा है ना उसको बताएंगे, देख वेस्ट इंडीज में जो बैठा है इंडिया का बंदा है, देख रिलायंस ने मुझे एमडी बोल के अपॉइंट करना है, मैं जाने वाला इंडिया में, मुझे अलाउड कर, फिर तब जाके इंडिया में आएगा और बनेगा, इज इट ओके? खत्म हो गए, नेक्स्ट आगे, बस अब 2 मिनट में प्रोसीजर हमने ऑलरेडी खत्म किया था, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने आपको चार्ट से खत्म करा था, बताओ प्रोसीजर क्या है, OR पहले BR OR एंड CG, कब यहाँ पे लिख दो, बस कुछ मत नहीं करो, यहाँ पे लिख दो BR OR प्लस CG, और मैं CG को ऑप्शनल लिख रहा हूं, ऑप्शनल, समझा क्या ऑप्शनल क्यों लिखा, बताओ CG की परमिशन कब, जब इन चारों में से कोई कंडीशन फुलफिल हुई क्या, नहीं हुई, अरे यार नहीं हुई, खत्म, नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, आप मुझे इतना बता दो जो मैं बोल रहा हूं, सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो रे, अगर वो अपॉइंट हुआ था BR से और बाद में OR में रिजेक्ट हो गया, अपॉइंट हुआ था बाद में उसको वो OR पास नहीं हुआ, 2 महीने बाद रिजेक्ट हो गया वो, तो 2 महीने तक जितने काम उसने किए हैं इट विल रिमेन वैलिड, वही लिख रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर WTD मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट AGM एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच अप्रूवल शैल डीम टू बी व्हाट, इज इट ओके? ओके ओके, और एग्जम्पशन में किसको पढ़ लो, एक बार अपने आप से पढ़ लो, एक बात मुझे कहना था, ये जो 5 नंबर क्या है, ये सबसेक्शन 5 है ना, ये मेरे सीरियल नंबर के नंबर नहीं है, 5 और 4, ये 4 मतलब क्या है, हाँ ये याद रखो, तो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 4 और 5, अच्छे से पढ़ो, किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 196 2, 4, 5 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू किसको,
गवर्नमेंट कंपनीज, उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 4 और 5 इसको एप्लीकेबल नहीं है. किसको? प्राइवेट कंपनी. 4 क्या था बताओ? प्रोसीजरल पार्ट. किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं? BROR, BROR CG किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं? प्राइवेट को भी नहीं और किसको भी नहीं? गवर्नमेंट को नहीं. और गवर्नमेंट को और एक चीज एप्लीकेबल नहीं. कहा है सबसेक्शन 2? क्या लिख रहा है वो? 5 साल का टेन्योर गवर्नमेंट कंपनीज के MD WDD मैनेजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं. इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी का MD WDD 5 साल से ज्यादा के लिए भी अपॉइंट हो सकता है. ये बातें देखो, मैं जब भी एग्जामिनेशन आता ना, मेरा दर्द बहुत कम होता है, दर्द आपका ज्यादा होता है. क्योंकि आपको याद रखना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है. अगर मुझे एट एनी टाइम किसी भी लॉ फैकल्टी को पूरे इंडिया में पूछो, नहीं बताओ सर ये सेक्शन में क्या एग्जामिनेशन है, वो कोई भी नहीं बोल पाएगा. वजह जानते हो? ये पागल हो गए कि हम लोग कैसे याद करेंगे इसको रे? तुम क्या पूछ सकते प्रोविजन? ये एग्जामिनेशन बोलते, ये मेमरी है, मेमरी पार्ट है. मैं ये नहीं बोल रहा एग्जामिनेशन नहीं आएगा, पर आपको बर्डन नहीं है. मेरा काम नहीं है इसको पढ़ाना. कौन सा? अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? ये 196 सबसेक्शन 245 गवर्नमेंट कंपनीज का, तो मैं क्या बोला उसमें? 245 पढ़ा दिया ना, अब क्या बोलूँगा उसको? नहीं है भाई, तो नहीं है. और प्राइवेट कंपनी में 4-5 एप्लीकेबल नहीं है. हो गया मेरा काम पढ़ाने का, पर समय आपका शुरू होता है उसके बाद. आपको दिमाग में रखना ही है, बनती कोशिश जितना है इतना याद रखने की कोशिश करो. नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, बिकॉज हम लोग कंप्यूटर्स नहीं है. ओके, आई होप 196 हमने पूरी तरह से खत्म किया है. बोलो भाई बोलो. अरे बोलो ना, तो अब बताओ वहाँ पे 196 को 203 के साथ में क्यों पढ़ना है? अब 203 में आ जाओ. इसके सबसेक्शन 2 पे आओ, 203 सबसेक्शन 2 2.21 पे आओ. 2.21 गाइस, प्लीज चेक इट आउट. व्हाट इज दैट? कम ऑन एवरीवन. क्या लिखा है? एवरी होल टाइम के एमपी, एवरी होल टाइम के एमपी ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कम ऑन टेल मी बोर्ड कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग व्हाट. मतलब चाहे उनका अपॉइंटमेंट हो चाहे रिमोशन हो, कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड. यानी कि MD WDD मैनेजर का अपॉइंटमेंट्स भी BR द्वारा होगा. पर 196 ने क्या बोला था? BR भी लगेगा, OR भी, और कभी कभी CG लगेगा. तो किसको फॉलो करेंगे? ऐसा हमको लिखना है यहाँ पे. लिखेंगे ना? लिखो. है क्या जगह? नहीं तो चिट्ठी लगाओ, चिंदगिरी बंद करो. लगाओ चिट्ठी लगाओ. जितनी चिट्ठियाँ लगेगी उतने मार्क्स मिलेंगे. हर चिट्ठी पे एक मार्क. लिखो, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 196 एंड 203. 196 एंड 203. 196 एंड 203. सेज क्या? सेज अपॉइंटमेंट ऑफ MD WDD मैनेजर. अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD मैनेजर. बोलो क्या? शैल बी डन थ्रू. बोलो कैसे होगा? शैल बी डन थ्रू BR प्लस OR प्लस CG. ब्रैकेट में, CG के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नहीं, ऑप्शनल कब? ओनली इफ शेड्यूल 5 इज नॉट फॉलोड. ओनली इफ शेड्यूल 5 इज नॉट फॉलोड. ओनली इफ द शेड्यूल 5 इज नॉट फॉलोड. ये क्लियरली लिख दिया. अब मुझे तो अपॉइंटमेंट ऑफ CFO और CS कैसे होगा? सर इसके बारे में 196 मुझे लिखा ही नहीं है, तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल देंगे ये CS बना तो बन गया CS, ये CFO तो बन गया CFO. मतलब किसी बंदे को CS बनाना है तो उसको ओ आर की नहीं, समझे क्या? अरे समझे क्या? पर किसी को ऑडिटर बनाना है ना,
तो आर की जरूरत होती है। अपनी इज्जत हर जगह पे ज्यादा है सीए की, सीए को लाते भी इज्जत से। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता मालूम है? उसके बारे में ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कि ये बंदा डेलॉइट, हमें ऑडिटर चाहिए। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सजाया हुआ नाम, मतलब नाम शेयर होल्डर के पास जाता है, फिर शेयर होल्डर 139 में ओआर पास करके उसको ऑडिटर बनाते हैं। पर किसी बंदे को केएमपी के लिए सीएस बनाया जा रहा है, सीएस, तो उसको सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, ओआर पास करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या सेक्शन लिखा रहे? अरे क्या लिखा रहे? अरे क्या लिखा रहे? हु इज केएमपी? एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच अ क्लास, सच अ क्लास, ए सच अ क्लास, ए सच अ क्लास, सच अ क्लास ऑफ द कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपको मालूम है? आपको मालूम है किसको लगता है केएमपी? इधर देख लो, केएमपी किस किस को चाहिए? एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब 5,500 कंपनीज को लगेगा। एवरी अदर पब्लिक कंपनीज, मतलब कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर शैल हैव डब्ल्यू टी के एम पी। बताओ क्या? अब बोलो जल्दी से, वापस बताओ, बोलो भाई बोलो। ये के एम पी मतलब ये जो जितने भी लोग हैं वो किसको एप्लीकेबल है? मतलब अगर वो कंपनी लिस्टेड है और जो कंपनी अनलिस्टेड है, उन अनलिस्टेड में कौन सी दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए? क्या बोला है यहां पे? देखो दो पॉइंट लिखे, 10 करोड़ क्या लिखा? शेयर कैपिटल एंड व्हाट? एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लूंगा, भले ही वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसको भी ये सारे केएमपी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरी इच्छा नहीं, चाहिए। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी ना, आपको सीएफओ चाहिए, आपके पास में सीएस चाहिए, आपको एमडी डब्ल्यूटीडी चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं है। लिस्टेड है मतलब बड़ी कंपनी, ये लोग चाहिए। अनलिस्टेड में भी जिसका 10 करोड़ से पेड शेयर कैपिटल ज्यादा, मतलब बड़ी कंपनी है, तो उसको ये लोग चाहिए। ये सारे लोग उन कंपनीज में काम करने को चाहिए, समझा? फुल टाइम काम करे। एक बात मैं पूछूं आपसे, ऐसा क्यों, क्यों ये लोग चाहिए? अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी है, सीएफओ चाहिए कि नहीं? फाइनेंस कौन मैनेज करेगा? वापस से सत्यम लेकर आएंगे हम लोग? सत्यम के हाथ से साथ, सत्यम के जख्म अब तक भरे भी नहीं है। 2008 में सत्यम का कांड हुआ, 2013 में एक्ट है, 2013 के एक्ट में हर कोई चीज लिखी है सत्यम का एग्जाम्पल को देखते हुए। ना पे ऐसा होता है, ए लिख रहे सीएफओ कंपलसरी है, सर आजकल लोग कंपनी लॉ फॉलो नहीं कर रहे, ए लिख रहे सीएस को कंपलसरी है, सीएस चेक करेगा कंपनी लॉ बराबर आएगी नहीं। अंडरस्टैंड करो, ये सब लोगों को लेकर आए, कंपलसरी है। और सबसे बात, सीएस का नाम पहले था नहीं, आईसीएसआई ने जेटली जी बोला लॉक कर दो आईसीएसआई को, बंदी कर दो, घुटघुट के जीने से अच्छा सीएस के इंस्टीट्यूट को बंदी कर दो। बोले क्यों? बोले तुमने 203 में हमारा नाम क्यों लिखा? बोले लिखते हुए कोई बात नहीं, वो पीछे से डाल दिया उसको। सीएस इज ऑल्सो केएमपी, वो तो सीएस का अब जरूरत की हुई, वैसे सत्यम के हाथ से करने सीएस का भी जरूरत बहुत लगता है। सीएस का काम क्या है? फुल टाइम सीएस है, फुल टाइम वही पढ़ा रहेगा, पढ़िक 10 से 7 जाएंगा आएंगा वही खाएंगा, आर्टिकल है वो, वही रहेंगे ये सारे लोग, वही पढ़ी लोग है सभी, नाम भी लिखा ना होल टाइम। अरे यार होल टाइम है, होल टाइम, ए भाई होल टाइम के एमपी से, ए भाई होल टाइम के एमपी से, बताओ इसमें आईडी का नाम क्यों है? नहीं है क्यों इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का नाम? नहीं, नाम में लिखा है, नाम लिखो होल टाइम के एमपी, यानी कि इनकी जिंदगी में और कुछ नहीं, ये जीवन भर, ये मतलब जीवन मतलब जिस समय काम कर रहे हैं यहीं के लिए फोकस, फुली डिवोटेड डेडिकेटेड फॉर दिस कंपनी इटसेल्फ। अब जरा देखेंगे इंटरप्रिटेशन किसका अच्छा है, कौन से लोगों के अच्छा, किसको लगता है केएमपी? हर कोई लिस्टेड कंपनी के लोग चाहिए, और जो अनलिस्टेड कंपनी है आगे आगे जिसका प्रोडक्शन के बड़ा 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। पर इसमें कंडीशन लिखी है, हाउ 5 करोड़ को अंडरलाइन करो और सीएस को अंडरलाइन करो। देखो सीएस वालों ने कितना कितना परेशान किया, सीएस वालों ने जैसे सीएस का नाम डाला उसके अंदर सीएस वाले फिर रोए,
कौन रोया? बोले क्या जिंदगी हमारे, बोले तुझे प्रॉब्लम क्या? सीएस वालों को जेटली जी बोले तुम्हें प्रॉब्लम क्या, तुम्हारा नाम तो डलवा देना, रो रहे क्यों? बोले तुमने क्या बोला, लिस्टेड कंपनीज। अच्छा है, कितने लिस्टेड है इंडिया में? बोले 5.5 हज़ार। और बोले अनलिस्टेड 10 करोड़। अरे साहब अनलिस्टेड में 10 करोड़ पेड शेयर कैपिटल कितनी कम कंपनी है इंडिया में, कुछ कंपनी से। सीएस हो क्या तुम लोग, क्या लॉलीपॉप दे रहे क्या? एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, और हमें क्या दिया? एवरी लिस्टेड, अनलिस्टेड में 10 करोड़ के ऊपर। तुम डायरेक्ट बोलते ना एवरी लिस्टेड अनलिस्टेड, तुमने तो हाँ भी कर दिया बीच में। अब ये क्या हो गया, बार्गेनिंग चालू। जेटली चले एक काम करो रे, सीएस के लिए 5 करोड़ ले दो, चलो लिख दिया 5 करोड़। अब इसका मतलब क्या हुआ, उनकी नौकरी ज्यादा मिलेगी ना, अब सीएस की थाली नहीं रहेगी खाली, ठीक है 5 करोड़ से ऊपर। मतलब सीएस की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का क्या है, सीएस को क्या जॉब ही नहीं ना इंडिया में, लोग सिर्फ सीएस बन रहे, बाद में कुछ नहीं हो रहा। तो उनके घर पे रोजी है, रोटी है, सब है। अब बताओ क्या लिस्टेड का, वो तो सीएस लगेंगे, मतलब 5.5 हज़ार सीएस एंगेज हो गए। अब इंडिया में 1.5 लाख सीएस है, 1,50,000 बोल रहे हमारे घर पे क्या, हम तो जीएसटी भी नहीं कर सकते, हमारे कुछ भी नहीं है। तो इनको बोला कोई बात नहीं, अभी इंडिया में जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज है जिसका पेड शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब बाकी सीएफओ कब लगता है 10 करोड़ उससे ऊपर, और सीएस कब? व्हाई सीएस हैव ऑल द फन, बिकॉज सीएस वाले लोग रोते रो रो के बार्गेन करके सब लेकर आते, अमेंडमेंट लाए 5 करोड़ का, तो पहले 10 करोड़ दिया था, फिर उनको दर्द हुआ, बोले नहीं गलत हो रहा, हमारे अभी भी लोगों के घर पे प्रॉब्लम हो रही। क्या हो ना, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है इंडिया में, कैसा है कि क्या करें ना, सीएस में भी सीएस हूं, कितने लोग सीएस बन रहे हैं, वो सीएस का क्रेज क्यों कम हो रहा है, बिकॉज उसको उतनी अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर चाहिए ना, तब काम देंगे तो फिर सीएस लोग बनेंगे, अदरवाइज सीएस के इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। 5 करोड़ लिख दिया, जल्दी उनको खुश कर दिया, ठीक है। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर एवरी अदर कंपनी टू हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ इट्स अ पेड अप शेयर कैपिटल अवार्ड, समझा क्या? इसी को एक्सप्लेन किया है, 5 करोड़ से ज्यादा जिसका वो होगा पेड अप शेयर कैपिटल, उस हर किसी बंदे को एक सीएस लगाना जरूरी है। मतलब इंडिया में और 10-20 हज़ार सीएस को नौकरी मिल जाएंगी, मतलब इंडिया में 20-25 हज़ार ऐसे सीएस होंगे जो सीएस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फुल टाइम सीएस की नौकरी जॉब कर रहे हैं। जॉब वाले लोग हैं ना सब, प्रैक्टिस थोड़ी ना है, प्रैक्टिस करते तो फिर जॉब कैसे करेंगे, नहीं समझे? बताओ कौन से लोगों को एमबी कहते, एक एमडी क्या लिखा, हर कोई कंपनी में क्या होना चाहिए, एमडी चाहिए और सीईओ चाहिए और मैनेजर चाहिए एंड इन देयर एब्सेंस WTD। एक बताओ, हर कोई कंपनी में एमडी भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, सीईओ चाहिए, तीनों में से एक चाहिए? हाँ जी, तीनों में से एक तीनों में से एक भी है तो इस सेक्शन की पूर्तता हो जाती है। और लिखा एंड इन देयर एब्सेंस WTD, तो WTD ऑप्शनल है क्या? मतलब जिस कंपनी में एमडी अपॉइंट हो गया तो WTD लाना पड़ेगा क्या? भाई इन लोगों की अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, कौन से लोगों की, इन सब लोगों की, कौन से कंपनीज के लिए, लिस्टेड में, अनलिस्टेड में 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और सीएस का तो 5 करोड़, तो उन लोग को ये लोग चाहिए। तो कौन से लोग चाहिए, एमडी लाओ, और एमडी नहीं मिल रहा सीईओ लाओ, सीईओ नहीं मिल रहा तो मैनेजर लाओ, चलो वैसे सीईओ मैनेजर क्यों होता है, और बोला इन देयर एब्सेंस WTD। मतलब क्या, मतलब WTD ऑप्शनल है, मतलब एमडी अगर आ गया तो WTD जरूरत है क्या? हाँ जी श्योर, और आपका जवाब गलत है। वो सर कैसे गलत है, लिखा तो ना एंड इन देयर एब्सेंस, इंग्लिश तो हमको भी आती थोड़ी बहुत इंग्लिश समझी जानते हैं, इन देयर एब्सेंस मतलब अगर एमडी नहीं आए तो ही WTD लगेगा, एमडी है तो लिखा है WTD चाहिए, लिखा है सर इन देयर एब्सेंस। मैं कह रहा हूं एमडी भी है, मेरा इंटरप्रिटेशन है एमडी भी है तो WTD चाहिए। अब मैं समझाऊंगा कैसे, इन देयर एब्सेंस इसका मतलब क्या,
अंडरस्टैंड, थोड़ा सा दिमाग में डालो, एमडी को अपॉइंट कर लिया और एमडी अभी 15 दिन से कोमा में है, तो कंपनी क्या हवा में चलेगी? थिंक। तो इसीलिए कभी कभी एमडी को अपॉइंट कर लिया, कब जब भी वो छुट्टी पे रहेंगे, काम नहीं कर रहा, उसकी जगह पे कोई तो काम करना चाहिए ना। इन हिज एब्सेंस यू शुड ऑलवेज नीड डब्ल्यूटीडी। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वॉइस प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? प्रेसिडेंट वॉइस प्रेसिडेंट होता है क्या? नहीं, वॉइस प्रेसिडेंट क्यों लाते फिर? मान लो मैं कभी कल चके किसी कुछ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट उस समय काम करेगा, एमडी काम करेगा, एमडी भी है, फिर भी डब्ल्यूटीडी अपॉइंट करके रख लो। जिस दिन एमडी काम नहीं करेगा या नहीं है तो उससे बदले में डब्ल्यूटीडी उस समय संभाल सकते हैं। इसलिए डब्ल्यूटीडी इज कंपलसरी। वो इंडियन एब्सेंस को पढ़ के ऐसा लगता ना, नहीं यार एमडी आगे फिर डब्ल्यूटीडी क्या करते? ऐसा नहीं भाई, एमडी भी चाहिए, डब्ल्यूटीडी भी चाहिए, ये उसका इंटरप्रिटेशन है, समझा? ये इंग्लिश नहीं है, ये लॉ है। कुछ लोग इंग्लिश तो लगते हैं इंग्लिश, हाँ, अदरवाइज ऊपर ही और लिख देते, ये पॉइंट है, ऊपर ही और लिख देते, बेचारों में से कोई भी एक लिख गया, तो जैसा एमडीए और सीईओ है और मैनेजर और डब्ल्यूटीडी कर देते। अब मैंने कुछ बोला तो आपने कुछ समझा भी हो तो लिखेंगे भी ना, आपको क्या समझा इसमें से? इन तीनों में से कोई एक डब्ल्यूटीडी हमेशा, बराबर है? कौन कौन? एमडी, सीईओ, मैनेजर एंड के लिए समझा क्या? मतलब डब्ल्यूटीडी चाहिए, और इन तीनों में से एनीवन, एनीवन है और डब्ल्यूटीडी चाहिए, और सीएस भी चाहिए क्या? अरे सीएफओ चाहिए क्या? कैन यू प्लीज टेल मी, सीएफओ करता क्या है? अच्छा फाइनेंस मैनेज करता, अच्छा है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा काम है उसका, एंड ही इज आल्सो हायर्ड वन सीएफओ। तो मैंने कहा क्या करता है वो सीएफओ? बोले बहुत काम करता है। तो मेरा दोस्त डायरेक्टर है, पर डायरेक्टर को एक रुपये नहीं मिलता है जब तक सीएफओ आने बोलता है। मतलब कितना खर्चा कौन से प्रोजेक्ट में करना है, पर्सनल विड्रॉल कितने होंगे, यहां तक कि डायरेक्टर की साइन चेक पर भी है, और अगर इसने सीएफओ ने साइन नहीं किया ना तो बैंक से पैसे नहीं विड्रॉ होते। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग सारे नौकर है वो सीएफओ के, क्योंकि वो क्या बोलता है, देखो मैं फाइनेंस का मैनेजर हूं, क्या पैसा किधर कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है मुझे पूछो। मतलब इसको अगर मान लो इसका फैमिली ट्रिप पे भी जाना है ना मेरे दोस्त को, वो सीएफओ से पूछ रहा है थोड़े पैसे दे दे भाई जाना है। मतलब सीएफओ की औकात इतनी होती कम, सारा पैसा उसके पास है ना, ही इज मैनेजिंग फाइनेंस। अच्छा ये डायरेक्टर बोलेगा मुझे 2 लाख दे दे, वो दे दे 10 लाख दे दे, तो कंपनी तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कोई भी डायरेक्टर को कुछ भी चाहिए तो सीएफओ उसके ऊपर एनालिसिस करता है। और सीएफओ के मतलब इतना, मतलब सीएफओ ऐसा छपरी आदमी नहीं होता, एमडी की इज्जत ज्यादा, सीएफओ तुच्छ आदमी, ऐसा नहीं है। सीएफओ इज मेंट फॉर फाइनेंस, तो फिर फाइनेंस में कुछ भी होगा तो वो बाप आदमी है, फिर बाकी एमडी को भी फाइनेंस को पूछ के पैसे निकालना पड़ेंगे। तो ऐसा सीएफओ मतलब ऐसा कुछ भी थोड़ी ना होता है। और सीएफओ जनरली कौन बनते? सीए है, जो सीएफए करते हैं वो बनते हैं। और ये कुछ लिखा है, बस ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज अ व्हाट, क्या लिखा है? मतलब एक डब्ल्यूटीडी दूसरे कंपनी में डब्ल्यूटीडी बन सकता क्या? इधर मेरी आंखों में देखो, वन डब्ल्यूटीडी कैन नॉट बी द डब्ल्यूटीडी ऑफ अदर कंपनी, हाउएवर ही कैन बी डब्ल्यूटीडी ऑफ अदर कंपनी, बट अदर कंपनी इज व्हाट, सब्सिडियरी ऑफ द मेन कंपनी। ऐसा मैंने देखा था, जो अपना ये बंदा है ना, क्या नाम, अजीम प्रेमजी का लड़का है, देखो उस नाम है उसका ऋषभ या रिधव कुछ तो प्रेम जी है, ऋषभ प्रेम जी, और वो बंदा दो दो कंपनी में डब्ल्यूटीडी है। वास्तविक जीवन में एक बंदा जो होल टाइम इधर है तो दूसरे में होल टाइम जा ही नहीं सकता, नाम में उसके होल टाइम लिखा है, तो हाउ कैन ही बी द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ समबडी एल्स, पॉइंट? अरे बोलो ना। बट वो बन सकता है अगर जो दूसरी कंपनी जहां पर डब्ल्यूटीडी बन जा रहा है वो पहले वाले की सब्सिडरी है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, जब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो क्या है कि इनका जो हेड ऑफिस है उसके बगल में इनका सब्सिडरी ऑफिस है, तो ही कैन मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर। तो इसलिए कंपनी एक्ट में एक प्रावधान दिया है कि अगर किसी को डब्ल्यूटीडी बनना ही है दूसरी कंपनी में, तो दूसरी कंपनी भलती कुछ तो नहीं होना चाहिए, वो पहले वाले की सब्सिडरी होंगी तो ही बन पाएगा। वापस से बोलो, वन डब्ल्यूटीडी कैन नॉट बी द डब्ल्यूटीडी ऑफ अदर कंपनी,
However, he can be the WTD of other company. अगर other company पहले वाली की subsidiary है, समझे? Got it guys? एक सुनो ना, एक MD दूसरे कंपनी का MD बन सकता है क्या? प्राइम ऑफिसर नहीं बन सकता, पर बन सकता है अगर दूसरे में UBR पास हुआ हो। ये मैंने डे वन को बताया था। बोलो क्या बोला मैंने? मुकेश अंबानी इज़ द WTD ऑफ रिलायंस। कैन मुकेश अंबानी विल बी द मुकेश अंबानी एमडी है रिलायंस का, क्या वो TCS का MD बन सकता है क्या? बन सकता है अगर TCS ने UBR पास किया। क्यों TCS ने UBR पास करना चाहिए? डर तो रिलायंस भी थोड़ी ना होगा। रिलायंस बोलेगा तो मेरे साथ काम करेगा, मेरे काम अलॉटेड है। अब वो रिलायंस के एमडी को TCS का एमडी बनाना है, ये अब ये TCS के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसको एमडी बनाएंगे नहीं। मैं तो TCS के सारे लोग अगर मान लो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं तो दूसरे कंपनी में वो एमडी बन सकता है। ये बात याद रख लेना, रिलायंस का बंदा अगर है और TCS में जा रहा है तो UBR रिलायंस में ही पास हो रहा है। जो कंपनी नहीं उसको ले रही है, एक्वायर कर रही है, वो कंपनी में UBR पास होगा। देखो क्या लिखा, मुझे बोलना है, मैं एक बात बोलूं क्या? एक बंदा जो एमडी है ना वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। एमडी और सीईओ जो होते हैं ना वो कंपनी के चेयरपर्सन नहीं हो सकते। जो प्राइम मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी, तो आपको लगता नहीं ज्यादा काम हो जाएगा? मोदी जी खुद ही होम मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर भी है, एक्सेप्टेड नहीं होता, दिल को बचाने लगता है। एक बंदा कितना काम करेगा? होम मिनिस्टर अपने आप में ओवरबर्डन्ड है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो बंदा चेयरपर्सन होता है मीटिंग का, बोलो यार आगे, वो एमडी नहीं बन सकता। जो एमडी है वो तो 1% कैन नॉट होल्ड बोथ द पोजीशन टुगेदर। अगर वो एमडी सीईओ है, अरे बोलो ना यार, बोलो क्या, वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है रिलायंस, और लायंस के मुखिया जो है मुकेश अंबानी राइट नाउ होल्डिंग बोथ द पोजीशन टुगेदर, वो एमडी भी और चेयरपर्सन भी। बोले सर वायोलेशन है? नहीं, प्रोवाइडेड उनकी एओए में कहा होगा कि ऐसा अलाउड है तो फिर अलाउड है। पहली बात, प्राइम ऑफिसी एक एमडी या सीईओ चेयरपर्सन नहीं बन सकते। पर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था मुकेश अंबानी ऑलरेडी एमडी भी और चेयरपर्सन, फिर आप बोलेंगे कि वायोलेशन क्या? नहीं, अगर उनके आर्टिकल में लिखा कोई बात नहीं, मुकेश अंबानी में इतना टैलेंट है यार, बहुत होशियार है, वो चेयरपर्सन क्या कुछ भी बन सकता है, चेयरपर्सन बना दे एमडी बना दे। पर अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है, सुन के लेना ये अगली बात बहुत भारी है, आर्टिकल में नहीं लिखा ना, उनके एक कंडीशन और है। अगर आर्टिकल में लिखा नहीं फिर भी उसको बनना है ना, तो उस कंपनी के अंदर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बहुत सारे बिजनेसेस है और हर बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट किए। सर रिलायंस के पास में आज बहुत सारे बिजनेसेस है, एक है कि बहुत सारे, और हर बिजनेस के लिए अलग 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 क्या अपॉइंट किए, तो सीईओ अपॉइंट किए, तो इसका मतलब क्या वो चेयरपर्सन बन सकता? बताओ क्यों? मुकेश अंबानी बोला देख भाई वैसे मेरे को कुछ बहुत काम है नहीं, मैं हूं एमडी पर मैंने हर काम के लिए अलग अलग सीईओ लगा रखे, तो वैसे मेरा बहुत खाली टाइम है तो मैं चेयरपर्सन काम कर सकता हूं। बोलो, चलो मैं पढ़ता हूं क्या। An individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company. नहीं बन सकता है। In pursuance of the article of the company as well as what the MD CEO of the company at the same time. मतलब वो MD और chairperson साथ में नहीं बन सकता। Okay? अगर articles में लिखा नहीं हो तो, अगर article में लिखा ऐसा बन सकता तो फिर बन सकता। दूसरी बात, the company does not carry multiple business. मान लो एक छोटी सी कंपनी है तो फिर वहां पे एक बंदा एमडी और चेयरपर्सन बन सकता है क्योंकि कंपनी के पास में मल्टीपल बिजनेस नहीं है। पर अगर रिलायंस के पास तो मल्टीपल बिजनेस भी है और रिलायंस के तो एओए में भी नहीं लिखा है तो फिर वो कैसे बन गया? अरे अभी तो बोला ना मैंने, उसने बोला भाई देखो मेरे को टेंशन मत दो, मैं सारे धंधों के लिए अलग सीईओ लगाया हूं, तो ऐसे मेरे को काम है नहीं, मैं एमडी हूं जरूर नाम का, पर सारा काम मैंने डेलीगेट किया हुआ है, हर धंधे के लिए सीईओ लगाया। तो पहली बात क्या है, एमडी चेयरपर्सन नहीं बन सकता अगर आर्टिकल्स में लिखा नहीं है तो। उल्टा बोलेंगे बन सकता है अगर कहां लिखा है तो, और मान लो आर्टिकल साइलेंट है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जिस धंधे का एमडी और चेयरपर्सन बना हूं वो धंधा बहुत छोटा साइज का है, स्मॉल स्केल बिजनेस है। आगे मान लो धंधा भी बड़ा है
धंधा बढ़ाया, एओ में भी लिखा है, उसमें भी बन सकता है अगर अगर provided that the above mentioned prohibition shall not apply to such class of companies engaged in the multiple business and which has appointed one or more CEO for each such business as may be notified by the central government. तो तीन बातें बताओ क्लियर क्या है. एक बंदा क्या नहीं बन सकता, एमडी एमडी सीईओ है तो चेयरपर्सन नहीं बन सकता. बन सकता है अगर आर्टिकल में लिखा है, और आर्टिकल में नहीं लिखा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस छोटा है, और मान लो बिजनेस भी छोटा नहीं तो. तो बहुत बड़ा बिजनेस है पर हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए सीईओ, तो इनकेस दैट पर्सन कैन बिकम चेयरपर्सन एज वेल एज व्हाट एमडी. समझ गए क्या? अरे समझा क्या भाई, क्या लिखा है आप? ये हो गया कि कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट अपनी? अरे बोलो हुआ कि नहीं? एमडी और मैनेजर मोर देन वन कंपनी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ऑलरेडी बोल दिया ना मैंने, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा. अब ऑलरेडी मैंने क्या बोला था बोलो? एक डब्ल्यूटीडी दूसरे कंपनी में डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकता है, बनना है तो दूसरी क्या होना चाहिए? और एक 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 एमडी दूसरे कंपनी के एमडी तभी बन सकता है जब दूसरे कंपनी में क्या पास हुआ. अब ये जो मैंने पढ़ा था ना यहाँ पे लिखा, देखो होल टाइम के एमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट व्हाट, क्या लिखा है एक्सेप्ट व्हाट? नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट द नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल दिस एंटाइटल a KMP from being a director of any company with the permission of the board. क्या लिख रहा है? Provided that nothing contained in the subsection this entitle a KMP from being a director of any company with the permission of board. मैंने समझा नहीं, मैं WDD की बात नहीं कर रहा है. अगर दूसरे कंपनी में हम कोई भी डायरेक्टर बनना चाहते हो, वैसे तो तुम अब तुम्हारे पास 20 का नंबर है ना, तो तुम यहाँ पे WDD हो, तो बाकी कंपनी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन ही सकते हो. एक WDD का दूसरे कंपनी में इंडिपेंडेंट बन सकता है क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रोवाइडेड फॉर दैट होल टाइम KMP होल्डिंग ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द सच कमेंसमेंट चूज वन कंपनी इन विच ही विशेस टू कंटिन्यू. समझा क्या बोला? ये एक्ट आया था 1/4/2014 को. उस समय अगर आप 2-3 कंपनी में WDD होंगे, 4 कंपनी में होंगे, तो मेक श्योर 6 महीने के अंदर, मान लो 4 कंपनी में WDD है तो 3 कंपनी की WDD को आप रिजाइन कर दोगे और एक को कंटिन्यू करोगे. 6 महीने में होना चाहिए, 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए. डिसाइड कर लेना चाहिए आपको कहाँ पे रहना है, किसके साथ रहना है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स MD इफ ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड ऑफ नॉट मोर देन वन अदर कंपनी एंड सच अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज मेड और अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट. समझा? ये किसकी बात कर रहा है वो? एक कंपनी का MD और मैनेजर दूसरे कंपनी का MD बन रहा होगा, मतलब रिलायंस का MD अगर TCS का MD बन रहा हो, तो TCS में आपको UBR पास करना पड़ेगा. इज इट? अरे बोलो. नेक्स्ट and of which meeting and of the resolution to be moved there at specific notice thi keno notice wala dena chahiye. ek baat puchho, aapko break deta hu main 2 minute ka. okay, take a short break of 2 minutes. 2 minute aaj ka break zyada bada nahi hoga, 5 minutes mein khatam karna, theek hai na? अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा. किसी का नहीं असर पर यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लगता सहमत नहीं है क्योंकि हैरत
देंगे जरूरत ना मर्जी की और जरूरत की है तकत की है आफत की हिमाकत की इबादत की अदालत की है चाहत की मोहब्बत की अमानत की जीत की इबादत की है शोहरत की अब लालच की है तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है इस हरकत ने ही बरकत दी है क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा तू दंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा Okay guys, welcome back. So we are moving on the next point, subsection 4, casual vacancy. ऐसा शब्द मैंने पहले कभी पढ़ा है section number 161, subsection 4 में. लिखी है वहां पे. कैसे हो गया ये कंपनीज एक्ट में गड़बड़ हो गई है. एक ही चीज के ऊपर दो दो subsection आ चुके. Casual vacation, casual vacancy is already taught, already discussed in subsection 4. ऑफ सेक्शन 161 यहां पे कहते 203 सब सेक्शन 4 में भी कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोनों का डिफरेंस क्या है ओ माय गॉड व्हाट्स दिस एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं आप जवाब दे दो एक डायरेक्टर अचानक से जिसकी मौत हो जाती है कैजुअल वैकेंसी निर्माण हो जाएगी उसके बदले में कितने दिनों में दूसरा डायरेक्टर लाना जरूरी है अच्छा पहले बताओ कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कौन करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर के जाने के बाद में कितने महीनों में कितने दिनों में उसके बदले में दूसरा लाएंगा 3 महीने में जी ऐसा हमने कहां तो पढ़ा था हमने आईडी में और वुमेन डायरेक्टर में पढ़ा था इधर ऐसा नहीं है कंपलसरी नहीं है अरे लिखा है यहां अंडरलाइन द वर्ड 6 months In the office of any whole-time KMP is vacated, the resulting vacancy shall be filled up by board at the meeting of the board within period of what? 6 months. अब आप मुझे बताओ मैं क्या बोलना चाहता हूं एक डायरेक्टर चला गया तो कितने दिनों में कितने महीनों में उसके बदले में कोई आना चाहिए 6 months में
होशियार समझदार लोग हैं आप, जवाब देंगे मुझे, सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर कोई एमडी, कोई एमडी, कोई एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर चला गया, उनके बदले में 6 महीने में, कोई भी हालत में 6 महीने में दूसरा आना जरूरी है। कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना आवश्यक होगा, एमडी को किसी और को लाना ही पड़ेगा अगर वो एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर वाला कैजुअल वैकेंसी है। अगर वो सामान्य कैजुअल वैकेंसी है, सामान्य का मतलब क्या होता है? एनी छपरी डायरेक्ट, छपरी मतलब क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव, छपरी मतलब क्या? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब उसके बाद में कोई चला गया, कोई छपरी डायरेक्टर चला गया, तो उसके लिए मैं कितने दिनों में लाए सर? उसके बारे में तो फिर 203(4) में कुछ लिखा नहीं, 203(4) स्पेशली टॉकिंग अबाउट एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर, इनके व्यतिरिक्त जो डायरेक्टर जाएंगे तो उसके लिए 161 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा पढ़ो आप। उन्होंने लिखा है कैजुअल वैकेंसी निर्माण होने के बाद में उसके बदले में कौन लाएगा? बोर्ड लाएगा, पर वहां पे लिखा ही नहीं कितने दिनों में लाएगा, और यह भी लिखा नहीं है कि लाएगा कि नहीं लाएगा। नहीं लाया तो चलेगा? सोच के बोलो, अरे थोड़ा तो सोचो, उसके बदले में लाए या ना लाए। अच्छा, लाना कंपलसरी है क्या? फिर नहीं है, इतनी बात तो श्योर है, सुन के ना आगे बोलूंगा। 161(4) ने किस बात पे, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई, श्रीदेवी गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमरीशपुरी को ला सकते हैं, और अमरीशपुरी तब तक काम करेगा। ये भी 161(4) जैसे बोल रहा, कैजुअल वैकेंसी को फिलअप बोर्ड ही करेगा, पर यहां पे बोला 6 महीने के अंदर करेगा। इसका मतलब एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर के अलावा जो बाकी डायरेक्टर्स है उनको लाने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगता है, पर कितने दिनों में लाना चाहिए? ये लाना चाहिए, इसके ऊपर कोई नहीं लिखा है। किसने? अब इसीलिए मैं आपको 149 सबसेक्शन 4 में जाने लगाऊंगा। जाओ ना प्लीज, 149 सबसेक्शन 4, तीन तीन सेक्शन का मैशअप चल रहा है यहां पे। 149 सबसेक्शन 4 क्या लिखा भाई, देख तू जल्दी, ये देखना क्या कर रहे तू, ये साथ है, इधर जा और जा और जा। वहां पे कहीं तो लिखा होगा किसके बारे में, ये कभी गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना? अब सोच के बताओ कौन से सबसेक्शन में लिखा है कि वो जाने के बाद आपको 3 महीने के अंदर किसको लाना पड़ेगा? कहां पे लिखा है वो 3 महीने और अगली बोर्ड मीटिंग? हमने कहां पे पढ़ा था ये? ये हमने कहां पे पढ़ा था? चार्ट्स में पढ़ा था, इसमें नहीं पढ़ा था क्या? इसमें नहीं पढ़ा था क्या? ओके छोड़ दो, ये जान दो, फॉरगेट अबाउट दिस, ये छोड़ दो। चलो दो सबसेक्शन के बारे में बताओ, कंक्लूड कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर अगर जाए उनके बदले का, बोलो आगे, उनके बदले का कैजुअल वैकेंसी 6 महीने में होना चाहिए, और इसके अलावा जो है आगे बोलो, अब उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या पर अगर वो महिला डायरेक्टर हो तो वो अन्य डायरेक्टर में कोई गलती से महिला होंगी तो उसके बदले में कोई 3 महीने में या अगली बोर्ड मीटिंग लाना पड़ेगा। Is it okay? Yeah guys, do you understand this? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो casual vacancy, linking with, किससे लिंक है इसकी? 161 subsection 4। लिखो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अपॉइंट, वहां पे लिखो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अपॉइंट किसको? अपॉइंट ऑब्लिक फिल अप कैजुअल वैकेंसी
fill up casual vacancy within 6 months. Of other directors, other मतलब कौन से? ये other than KMP. और पेनल्टी लिखा है, ठीक है ना? क्या पेनल्टी है? अच्छा सेक्शन क्या था वैसे? 203. एवरी कंपनी जो कौन सी लिस्टेड है और अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उससे ज्यादा है, और सीएस के लिए 5 करोड़ से पेड अप शेयर कैपिटल उससे ज्यादा है, उस केस में उनको क्या क्या चाहिए? एक तो एमडी चाहिए, नहीं है तो मैनेजर चाहिए या फिर सीईओ, तीनों में से एक चाहिए. और हमेशा डब्ल्यूडीडी चाहिए, हमेशा सीएस चाहिए, हमेशा सीएफओ चाहिए, बराबर है? अरे बोलो है क्या नहीं? एक एमडी दूसरे कंपनी का एमडी नहीं बन सकता, बन जाए तो दूसरे में यूबीआर पास करना पड़ेगा. आगे एक बंदा जो डब्ल्यूटीडी है दूसरे कंपनी में डब्ल्यूटीडी बोल के काम कर सकता है अगर दूसरी कंपनी सब्सिडरी है, बराबर है? इनका अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ तो 6 महीनों के अंदर आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा. कौन ढूंढेगा? ओआर से या बीआर से? बीआर से. ये पूरा सेक्शन हमने रिवाइज किया. अब बताओ ये पेनल्टी किस बात की? 203 में लिखा था अगर आप लिस्टेड हो तो आपको चाहिए, अनलिस्टेड में 10 करोड़ के ऊपर आप चाहिए, फिर भी आपने ऐसे लोग को अपॉइंट नहीं किया तो देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन, उस केस में आपको लगेगी पेनल्टी. क्या लगेगी पेनल्टी? देखो क्या कंपनी को पेनल्टी होगी. शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख एंड शैल नॉट बी मोर देन 5 लाख. 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कॉन्ट्रावेंशन लगेगा किसको? कंपनी को. यहाँ पे अंडरलाइन कंपनी. और डायरेक्टर्स को, केएमपी को, जो कंपनी में डायरेक्टर्स है, एवरी डायरेक्टर एंड केएमपी ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू व्हाट 50,000 और वेयर द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज. फॉर एग्जाम्पल किसी के एमडी ने, किसी डब्ल्यूटीडी ने फॉर एग्जाम्पल 2-3 कंपनी में डब्ल्यूटीडी बोल के काम किया जबकि उसने अलाउड नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है तो उसको लगेगा फाइन 50,000 रुपीज. और जब तक कंटिन्यू करेगा वो फाइन हमेशा 1,000 रुपये से बढ़ता रहेगा. अंडरस्टूड? समझे क्या नहीं समझे? पर जो बंदा ऑलरेडी 3-4 कंपनी में डब्ल्यूटीडी है, जिस दिन एक्ट आया था, अब वो क्या करेगा? विद इन 1 ईयर या 6 मंथ्स? विद इन 6 मंथ्स को डिसाइड करना पड़ेगा उसको कौन से कंपनी में कंटिन्यू करना है या कौन सी कंपनी में कंटिन्यू करना है, बराबर है? नेक्स्ट एग्जम्पशन दिया है, पढ़ लेना आप. अब हम लोग जाएंगे 204 में. आज दो सेक्शन हमने खत्म किए, 196, 203. और आपको मैं समझाना चाहता हूँ इस चैप्टर में 3 सेक्शन सबसे बड़े हैं, 196, 197, 203. बाकी सब चिल्लू पिल्लू सेक्शन है विच आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना? इसलिए मैंने आपको कल आज ही कहा कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा. अभी मैं आपकी क्लास खत्म होने से पहले 2 सेक्शन और करूँगा, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है. 204 का नाम पढ़ो, दर्द चालू हो जाएगा. दर्द कौन करेगा? सीएस करेगा. आपसे सवाल है, जब सीएस ऑलरेडी 203 में अपॉइंट हुआ है, इसकी क्या जरूरत है? ये भी वही है, वो भी वही है. सीएसओ कितनी इज्जत दे रहे यार. ये भी ऑडिट सीएस द्वारा करेंगे, उधर भी बोल रहे सीएस फुल टाइम आएगा. इस सीएस का करना क्या है? ऑलरेडी 203 में तो 204 की जरूरत क्या है? हाँ जी, दैट इज फॉर द एम्प्लॉयमेंट. वहां पे सीएस एम्प्लॉय बोले काम करेगा, यहाँ पे कौन है? ये एम्प्लॉय नहीं है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर. जैसे हम जाते हैं स्टेट ऑडिटर बन गए, साल में कभी एक बार जाके ऑडिट कर लेंगे, वैसा है ये. चौधरी ऑडिटर है, चौधरी चौधरी समझता है. साल भर बेचारा वो 203 वाला काम करेंगे, ये जाके चेक करे क्या क्या काम किया, ला तो देखने थे. ये बराबर है, अपन नहीं क्या स्टेट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को चेक करते कि उसने सही काम किया, उसकी भी पेपर चेक करते. ये वैसा है, ये साल भर में एक बार जाके चेक करेगा कि कंपनीज एक्ट के और जितने भी लॉ कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट कंपनी को लगते हैं, जितने भी इकोनॉमिकल लॉ, कॉरपोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट, जो जो कंपनी को लगते हैं वो सारे कंप्लायंसेस कंपनी ने फॉलो किए क्या नहीं किए, उसका ऑडिट करने जाता है. दैट्स ऑल. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस इन द कंपनी ऑडिट, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस ऑडिट इन कंपनी,
क्या एक ऑडिट है ये? पहले ऐसा ऑडिट था ही नहीं सत्यम के पहले, ये सत्यम ने सबको होशियार किया। बोले ऐसा ऑडिटर भी जरूरी है। तो सीएस और सीएफओ दो नई चीजें सत्यम ने दी है दुनिया को। सीएस को भी अपॉइंट करो, सीएफओ को भी करो, ताकि फिर से सत्यम कांड नंबर टू वापस ना पैदा हो। बराबर है? बोलेंगे नाम में लिखा है सेक्रेटरी ऑडिट, मतलब क्या रे? सिर्फ कंपनी सेक्ट का ऑडिट है? सब सिर्फ कंपनी सेक्ट चेक नहीं करता है वो, उस कंपनी को जितने लॉ एप्लीकेबल है, जिसको हम लोग कंप्लायंसेस बोलते हैं, वो कंप्लायंसेस चेक करता है कि जो जो लॉ इस कंपनी को एप्लीकेबल, बोलो आगे, वो सारे लॉ की फुलफिलमेंट इसने कंपनी ने की है कि नहीं, और उसमें स्पेशली कंपनी सेक्ट आता है। बराबर है? ये ऑडिट कौन परफॉर्म कर सकता है? सीएस कर सकता है, और वो भी कौन सी कंपनी के लिए? छोटे कंपनी के लिए नहीं। सोचो ना, एक छोटे कंपनी के लिए कितना बर्डन हो जाएगा। अगर बिगर नहीं लिखता तो छोटी कंपनी बोलती है मेरा धंधा एक तो 100 करोड़ का नहीं, 50 करोड़ का भी नहीं, साला मेरे को क्या बोल रहे हैं कि तुम सीएस का कंपलसरी फुल टाइम अपॉइंट करो, ऑडिट भी करो, कितने पैसे खर्च करो मैं कंप्लायंस के चक्कर में, ये ऑडिट फीस अलग लेगा, वो सीएस काम कर रहा है उसके 6 लाख दे रहा हूँ मैं साल के, ये बोल रहा है 2 लाख फीस दे दो, कितना फीस दे सीए का अलग। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए वर्ड लिख दिया स्टार्टिंग में ही, पूरा क्लियर है बिगर कंपनीज, मतलब ये ऑडिट होगा सिर्फ बड्डे कंपनी का। आगे कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट, कौन से कंपनी को, जो लिस्टेड है और जो 50 करोड़ और 250 करोड़ में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करती है, पर जो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पर जो क्या अनलिस्टेड है, 50 करोड़ क्या पेड अप, 250 करोड़ क्या टर्नओवर, बोलो क्या बोल रहा है? सिंपल है, कुछ नहीं। अरे बहुत, 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 250 टर्नओवर, मतलब बहुत बड़ी कंपनी होगी ऐसी, इंडिया में परसेंटेज में 10-20% भी नहीं होंगी। 50 करोड़ पेड अप, 250 करोड़ टर्नओवर, ऐसी पब्लिक कंपनी को अब सीएस का ऑडिट करना कंपलसरी हो जाएगा। अब पता नहीं लिस्टेड को तो आड़े हाथ लिया है, कुछ भी सेक्शन आया ना लिस्टेड, चलो तुम्हारा तो वो पूछते नहीं, आप सोचना नहीं, लिस्टेड हाँ लिस्टेड खत्म, बाकी क्या आ रहे अनलिस्टेड में बताओ, दो 50 करोड़, 250 करोड़, 50 करोड़ क्या पेड अप, 250 करोड़ क्या टर्नओवर, दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो वहां पे सीएस का ऑडिट होना जरूरी है। पर एक बात सोचो, सीएस के रिपोर्ट की कितनी इज्जत है? मान लो सीएस फाइंड दैट कंपनी इज नॉट हैविंग सम कंप्लायंसेस, तो क्या फर्क पड़ता है? चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया तो क्या फर्क पड़ता उससे? इतना डरते क्यों लोग सीए को? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग हमसे डरते हैं क्या? नहीं, हमारे हमसे नहीं, पर हमारे क्वालिफाइड रिपोर्ट से जरूर डरते। क्या होता है उससे? कभी आपने कभी लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट किया? किसी ने किया क्या लिस्टेड का? लिस्टेड अनलिस्टेड बड़ी कंपनी का पूरे क्लास में किसी ने ऑडिट नहीं किया? लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया, स्टैट ऑडिट। अच्छा, कभी आपने लिस्टेड, जान दो पब्लिक कंपनी जो बड़ी कंपनी है, ऑडिट ऐसा है, कोई भी क्लाइंट नहीं रहा आपका, ऑडिट ही नहीं करते बेटा, बहुत आगे जाएंगे आप। कौन सा काम करते हैं आप? टैक्स। कभी ऐसा गए आप कभी आर्टिलशिप में गए, आपको बहुत इज्जत मिली, बोलते क्या ले दे के सेटल करो, खा पी के सेटल करो, हाँ आउट स्टेशन ऑडिट पे बहुत इज्जत मिलता है ना, मेहमानों की तरह आपको ट्रीट, जितनी इज्जत घर वाले देते नहीं उतनी देते। अचानक से लगता खुद की नजर में आदमी ऊपर उठ जाता, अरे इज्जत तो है, क्यों इतनी इज्जत है? चलो बैंक ऑडिट में हमारे रिपोर्ट से क्या होने वाला? सेक्शन है 134 बोर्ड रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा है? अगर सी ए सी एस सी डब्ल्यू ने यानी कि 139 148 एंड 204 का ऑडिट अगर हुआ, उस ऑडिट में अगर सी ए ने सी डब्ल्यू ने सी एस ने अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दिए, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिप्लाई ऑन द क्वेरी रेज बाय द ऑडिटर्स, और उनको लिखना पड़ेगा ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए है वो ऐसा क्यों हुआ था, मतलब दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे आर आंसरेबल टू एवरी क्वेरी रेज बाय द ऑडिटर। इसका मतलब वो बोर्ड रिपोर्ट जाने वाला शेयर होल्डर को,
मतलब ऑडिटर का इल्जाम नंबर वन, उसका रिप्लाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा इंक्लूडिंग सीएस। इसलिए जितनी इज्जत सीए की है ना, उतनी इज्जत सीएस की भी है 204 नंबर में। अगर वो ऐसी की तैसी कर सकता है, मतलब अगर उसे बोल दिया ना कंपनीज एक्ट का कोई भी कंप्लायंस फॉलो नहीं किया है, तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वैकेट कर देंगे लोग। बिकॉज क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। ये लिखेगा उसका रिप्लाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आमने सामने नहीं देंगे ओरली, जवाब देना फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में देना। इसलिए तो लोग बोलते हैं भाई रिपोर्ट मत निकाल, इधर ही सेटल कर क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो क्या लोग क्या करते, देखो हर कोई बंदा सीएस को उसको मालूम है अगले साल उसको अपॉइंट होना है, इतनी खुजली नहीं करता कोई, मालूम है अपना भी रोजी रोटी। अब अगर मान लो बहुत उसको अगर बोलना है तो क्या होता है, साहब देखो तुम ऑफिस में अपन बात करते, ऐसे होता ना, रिपोर्ट में तो कुछ आता ही नहीं वैसे भी। तो क्या अपन अपना जो क्लाइंट अपने बॉस से जब मिलता है तो सारे क्वेरी अपने आप जीरो हो जाती। अपन चार महीने से झक मार रहे इधर, वो कहते हैं लगाने, वो मिलते एक मीटिंग में दो घंटे में सारी क्वेरी जीरो, बड्डे बड्डी सी जीरो, मटेरियल मिस्टेक भी जीरो हो जाती, बिकॉज अपने बॉस को बताएगा अगले साल आना है। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हल्के मत लेना, ये जो सी एस है ये आग लगा सकता है, क्योंकि इसका किया हुआ हर कमेंट का जवाब 134 में रिप्लाई करना है। और वो बोर्ड रिपोर्ट किसको जाता है, बैंक्स को, कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब गवर्नमेंट को, मतलब ही शेयर होल्डर्स को, सबको जाएगा। इसका मतलब जो इल्जाम लगाए बताओ उसको रिप्लाई देना, मतलब इल्जाम लगाए वही बड़ी बात, उसको रिप्लाई भी देना। इसीलिए कोई भी इनको असिस्टेंस देगा ऐसा नहीं होगा, अगर ये आ रहे ना इनकी भी खातिरदारी होगी। पर क्या होता है ना, कभी कभी लोग मान लो पहले सी ए ऑडिट करके गया, फिर सी डब्ल्यू गया, फिर सी एस आ गया, लिस्टेड का तो क्या है बैक टू बैक बजाते होंगे ना, ये आया इसका ऑडिट, अभी क्या कौन सा ऑडिट चल रहा है, बोले 139 चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है 148 चल रहा है, वो खत्म नहीं होता, ये 204 वाला, बोले मैं आ गया मेरा तो बाकी है। अब मुझे बताओ, लोग गुस्सा आता ना, इसमें लिखा है कि दे शुड गेट प्रॉपर असिस्टेंस। कोई भी सीएस आएगा तो उसको बराबर से सर्विस देना चाहिए, उसको मतलब हेल्प करना चाहिए, उसको कंप्यूटर का एक्सेस मिलना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाकई लोगों को बहुत गुस्सा है, बहुत परेशान कर रहा है, इन्होंने उसको टॉयलेट में लॉक कर दी। किसको? ऑडिटर ने पूछा टॉयलेट किधर है, बोले उधर है, वो अंदर गए, इन्होंने बाहर से लॉक कर, 3 दिन तक लॉक में। जस्ट इमेजिन उसके बाद क्या है? ऐसा करना, इसकी जो सजा होगी ना, बहुत माहौल बनेगा यहाँ पे। वो लिखा है रीजनेबल असिस्टेंस देना चाहिए, ऐसी खुजली करोगे ना आप उसको, बजा देगा आप क्यों, ऐसा इतना बड़ा क्वालिफाइड रिपोर्ट निकालेगा ना आपका, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ मत करना उसके हाथ में, वो इज्जत वाला आदमी है, टॉयलेट में लॉक कर दिया, उसके हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा फिर आपको। वो बोलेगा मुझे असिस्टेंस नहीं दिए, मुझे ऐसा माहौल, कभी मान लो बैठा आपने एसी बंद कर दिए, लाइट बंद कर दे रहे। ये डायरेक्ट निकलने के लिए नहीं बोल सकते ना, तो माहौल ऐसा बना देंगे, गाड़ी की हवा निकाल दी उसकी, मतलब इतना एडवर्स क्रिएट कर दिया। यहाँ पे लिखा है ना, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा, देखो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज। उसको कंप्यूटर नहीं दे रहे, उसको एसी नहीं दे रहे, वो कंप्यूटर कर रहा तो हम बिजली बंद कर रहे, पानी नहीं दे रहे उसको। सुनो, फॉर ऑडिटिंग द, ये सब जरूरी है, ये भी इसमें लिखा है 204 में। अब कंपनी की ड्यूटी क्या है, एक्सप्लेन इन फुल एनी क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन इन व्हाट अदर मार्क, किसमें किसमें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द रिपोर्ट, समझा क्या? अरे बोला ना, तो इसके इल्जामों का जवाब उत्तर देना पड़ेगा कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट में। इसलिए उसके जो क्वालिफिकेशन है उसकी इज्जत बहुत है। अगर ये मान लो ये सब सेक्शन नहीं होता ना, 3 अच्छा जो उखाड़ना उखाड़ ले, बना तू रिपोर्ट, बना तेरा रिपोर्ट सिर्फ मैं पढ़ूंगा, मुझे वैसे भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, दे गाली जो देना है। अब क्या है, इधर दर्द किस बात का है, ये जितनी भी गालियां मारने वाला है उस हर गाली का, हर आरोप का, हर एलिगेशन का जवाब देना। इसलिए तो सीएस के साथ में दोस्ती बना के रखते लोग। अब एक कॉन्ट्रावेंशन की बात करें, क्या कॉन्ट्रावेंशन भाई, सेक्शन कुछ नहीं, सेक्शन खत्म हो गया है। क्या सेक्शन में लिखा, देखो कौन से किसको एप्लीकेबल है, बिगर कंपनीज मतलब ऑल द लिस्टेड कंपनीज, और अनलिस्टेड में 50 250 क्या बैठा, 250 क्या दोनों क्या, दोनों में से एक क्या जरूरी, जरूरी क्या, सीएस क्या फुल टाइम या सिर्फ ऑडिट के लिए? इसलिए ऊपर लिखा है सेकंड ऑडिट फॉर द बिगर कंपनीज, ऑल दो इट इज डन बाय कौन, सीएस। 203 में भी कौन है, पर वो सीएस, वो फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह आर्टिकल जी के जैसे, ये कौन सा है,
ये सिर्फ कभी कभार आएगा, साल में एक दो बार आएगा, काम खत्म करेगा, राइट? किसका काम है असिस्टेंस देना? ऑल दी असिस्टेंट शैल बी गिवन टू सीएस, बराबर है? और इन केस अगर उसने कोई एलिगेशन लगाए, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू राइट द रिप्लाई ऑफ देयर एलिगेशन इन द बोर्ड रिपोर्ट, बराबर है? अगर इन्होंने कोई एलिगेशन लगाया तो उसका प्रतिउत्तर देना जरूरी, कहां पे देंगे? बोर्ड रिपोर्ट में देंगे। ये सेक्शन नहीं कहता अपन, हमें 203 और 204 का डिफरेंस लिखना है। लिखो 203 और 204 में क्या डिफरेंस? चिट्ठी लगाओ अच्छे से, 203 204 का डिफरेंस। इसका नाम केएमपी है, इसका नाम सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। ये फुल टाइम एम्प्लॉय है, इज नॉट एन एम्प्लॉय, फॉर लिस्टेड, ये भी है लिस्टेड, और क्या लिखा है अनलिस्टेड के लिए, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर। इसमें लिस्टेड है, अनलिस्टेड में इसके 2 बच्चे हैं, 1 50 करोड़, 1 250 करोड़। 250 करोड़ टर्नओवर है और इसका ये 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है। कहाँ लिखा? 10 करोड़ जो लिखा था ना, 10 करोड़ के पहले लिखा है ना, 10 करोड़ के लिए 5 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझा गया? और डन क्या, खत्म हो गया? ये मैंने 5 करोड़ क्यों लिखा है यहाँ पे? सीएस के लिए ऐसा 10 करोड़ है, वैसे ये सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ विल मेक श्योर, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ विल चेक द कंप्लायंस पार्ट, तो सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में? Both are appointed to check compliances, right? Okay, done. So 196, 190, 203 देखा हमने, और अभी 204 भी देखा। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, एक बंदा जो MD है,
हाँ, क्यों सारी पोजीशन होल्ड कर सकता है? वही एमडी, वही डब्ल्यूडीडी और वही सीएफओ। डू यू थिंक वन पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशन? आपका जवाब ही नहीं आ रहा, एंड द आंसर इज नो। वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन इन द कंपनी। और वो एमडी है, वो बोलेंगे सीएफओ भी मैं बनूंगा, नॉट अलाउड। इज इट ओके? ये बात क्लियर है? अब मैं जो बात बोलने जाऊंगा ना, एकदम ऑसम है। अब बताओ, दुनिया में दो टाइप के डायरेक्टर है, एक फिक्स्ड, एक कौन है फिक्स्ड और एक कौन, एक है फिक्स्ड और एक कौन, एक है फिक्स्ड और एक है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, बराबर है? अब एकदम जो अंदर जाके बोलूंगा आप समझ के लेना, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 196 के पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिस बंदे को आपने एमडी बोल के अपॉइंट किया है, क्या बोल के अपॉइंट किया, एमडी बोल के अपॉइंट किया, जिस बंदे को आपने एमडी बनाया, ये था मिस्टर एक्स, एमडी बनाया, क्या इस एक्स का डायरेक्टर होना जरूरी है तब जाके एमडी बनेगा? एक्स कैन नॉट बिकम एमडी अनलेस ही इज, क्या बोलो ना, ये बात क्लियर है? कंक्लूजन नंबर वन, अगर मान लीजिए वो एमडी काम कर रहा था, एक्स वॉज वर्किंग एज एमडी, बट उसको डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया गया 169 में, क्या वो एमडी बोल के फिर भी काम करता रहेगा? मेरे सवाल का जवाब, एक्स को हमने डायरेक्टर बनाया था, फिर उसको हमने एमडी बनाया, एक्स को हमने डायरेक्टर बनाया था 160 में, बराबर है, क्या पास किया तुमने, फिर एक्स को हमने 196 में क्या बनाया और क्या पास किया, इज इट ओके? अब मेरे सवाल का जवाब, 169 में एक्स को हमने रिमूव कर दिया, अब इस ये तो यहां से रिमूव हो जाएगा, व्हाट अबाउट एमडी, क्या वो अभी भी एमडी की पोजीशन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? He was a director, he got appointed as an MD. MD के लिए तो 200 होता है, 196 में अलग से आपने अप्रूवल पास किया था, उसको इसको डायरेक्टर बोल के निकाल दिए, तो MD बोल के पोजीशन में होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? सोच के जवाब दो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्या MD की पोजीशन भी खाली हो जाएगी? क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। योर आंसर इज करेक्ट, he became MD because he is a director. No person can hold the position of MD unless he is a director. It means, अगर वो director की position से चला गया, बोलो रे आगे, खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या? No director is equal to what? समझा क्या आप क्या लिख रहा हूँ? ये समझ में आया क्या आपको? अगर एक्स को हमने डायरेक्टर बोल के निकाल दिया, तो वो एमडी बोलकर भी अब काम नहीं कर सकता। लिख रहे कहीं पे? लिखो जल्दी। Thank you.
अच्छा, अब सुनो, आगे जा रहा हूं। अब ये डायरेक्टर है जिसको दो तरीके से अपॉइंट करते हैं, एक तो फिक्स्ड में, नहीं तो रिटायरमेंट बाय, बराबर ना? क्या बोला, क्या नाम इसका, आरबीआई रिटायरमेंट बाय रिजोल्यूशन ना, रिटायर, हाँ याद ही नहीं आता, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, राइट? सुनिए, पता नहीं दिमाग से निकल गया, एक मिनट के लिए याद ही नहीं आ रहा था। हाँ, अब देखो, दुनिया में डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं सेक्शन नंबर 160 में, अपॉइंट करते हैं। वो कभी फिक्स के लिए भी अपॉइंट हो सकता है और कभी रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। कोई डाउट है इसमें? नो डाउट गाइस, ओके। रिटायरमेंट बाय रोटेशन में होता क्या है, वो बार बार उसको जाना पड़ेगा, ही इज नॉट अपॉइंटेड फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एमडी कौन बन सकता है? हु कैन बिकम एमडी? हाँ, फिक्स वाला या आरबीआर वाला? क्यों रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। ए, रुको, आगे मैं आ रहा हूं। पहले क्या बोल के अपॉइंट होता है, बाद में एमडी बोल के अपॉइंट होता है। तो जब आया था तब पता नहीं था कि वो एमडी बनने वाला भी है क्या नहीं, तब उसको आरबीआर से अपॉइंट किया था। इसे रोके, दिमाग में प्रेशर हो रहा क्या आपके? नहीं ना, शांति से सुनो। आया था तब वो तो नॉर्मल 160 में आया था, भाई रिटायरमेंट बाय रोटेशन से लेंगे या फिक्स, उसको अपॉइंटमेंट के समय ही बोलना पड़ता ऑफर लेटर में कि तू तो किस टाइप का आदमी है, इज इट ओके? अब क्या हुआ, वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला केस है और वो रिटायर हो गया, बट ये एमडी अपॉइंट हुआ था 5 ईयर्स के लिए, समझ गया? और वो रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, वो एमडी रिटायर हो गया 2 ईयर्स में। उसका नाम मैं एमडी नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्टर लिखता हूं, क्योंकि डायरेक्टर को हमने रिटायरमेंट बाय रोटेशन से अपॉइंट किए थे कि बार बार तेरी बदली होंगी, पर लक उसका अच्छा कि वो बन गया एमडी, और बना कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बना। अब सवाल ड्रा है कि इसको 2 साल के अंदर ही उसका रिटायरमेंट बाय रोटेशन आ गया। ओरिजिनली इज अ डायरेक्टर, बाद में एमडी बना ना, ओरिजिनली इज अ डायरेक्टर, बट वो डायरेक्टर हो गया रिटायर। अब क्या होगा, अब 2 बातें होगी, अगर वो अपॉइंट हुआ और नहीं अपॉइंट हुआ। अरे भाई, 7 में से ए भी गए और वो ए था एमडी, अपना एग्जाम्पल था ना, 7 लोग थे उसमें से और वो था एमडी। अब देयर आर 2 ऑप्शंस, अब ये जाएगा रिटायर होने के बाद में, देयर आर 2 ऑप्शन, एक तो वो एक तो रीअपॉइंट होगा, रीअपॉइंट हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है, वो गया था एक दिन के लिए, अगले मीटिंग में अपॉइंट हो गया, या मतलब उसी मीटिंग में ये भी रिटायर हुआ था और उसी मीटिंग में ये भी आ गया, तो उसका एमडी विल रिमेन इंटैक्ट। वो गया था और सिर्फ गया एक मिनट, एक दिन के लिए वापस आ गया, तो एमडी विल रिमेन एमडी। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? आप पहले समझो, वो जब आता ना उस दिन एमडी है वो मालूम नहीं रहता उसको, वो तो सामान्य डायरेक्टर की तरह घुसता है अंदर, वो तो 160 के दरवाजे से एक तो रिटायरमेंट में रोटेशन से घुसेगा या फिक्स से घुसेगा। अब वो रिटायरमेंट में रोटेशन से घुसा, 2 साल में वो रिटायर हो गया, पर ही वॉज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स?
फाइव ईयर्स. अब मुझे बताओ क्या होगा, अगर वो जा रहा था और वापस आ गया, ऐसा हो सकता ना, ये भी गया ये भी वापस आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, रीअपॉइंटमेंट हो गया, तो क्या पोजिशन ऑफ, बोलो ना, एमडी विल बी और विल नॉट बी अफेक्टेड, बराबर है. व्हाट अबाउट दिस, एक्स वाई को अपॉइंट हो गया, एमडी की लग गई, पोजिशन ऑफ एमडी इज गेटिंग वैकेटेड, ठीक है ना, पोजिशन ऑफ एमडी इज वैकेटेड, बराबर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और जो फिक्स्ड है तो वो तो वैसे ही फिक्स्ड है, मतलब अपॉइंट हुआ तो पांच साल लिया और एमडी भी पांच साल लिया, तो उसमें तो कुछ होना नहीं बीच में, इसमें तो कुछ लिखने से कुछ है ही नहीं. आपको समझा, दिमाग में डाल लीजिए, दुनिया में जब अपॉइंट होता तभी उसको लेटर में देते कि वो फिक्स्ड है या रिटायरमेंट में रोटेशन है. बताओ एक डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, मुझे मानता आप पांच बोलोगे, क्यों पांच, कहां लिखा है, एक मिनट बोलो ना, मेरे आंखों में देखो कहां पे लिखा है. ये सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिखा है, पांच पांच तीन, पांच पांच तीन. और एमडीडब्ल्यूडीडी तो बात की बात है, मैं तो अभी एमडीडब्ल्यूडी तो ये सबसिक्वेंट काम चल रहा है. अपॉइंटमेंट होता था दो ही चीजें होती है, कौन सी चीज होती है, एक डायरेक्टर होगा और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. नहीं, जब एंट्री कर रहा था तो क्या होता है उसके दिमाग में, एक तो आईडी बोल के आएंगे, नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल डायरेक्टर कितने साल के लिए आएंगे, हाँ डायरेक्टर पांच साल से ज्यादा के लिए भी अपॉइंट हो सकते. मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं एमडीडब्ल्यूडीडी की बात नहीं कर रहा. आपके दिमाग में पांच क्यों भरा है मालूम, मैं बोलता ना, दो बार आपने पांच देख लिया, एक आईडी में पांच देख लिया, अब पूछा पांच, अरे वो आईडी का पांच है भाई, ऐसे लगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्टरशिप यू कैन बी अपॉन ओनली फॉर फाइव इयर्स, नहीं आईडी पांच साल. पर जो बंदा आईडी एंट्री जब करके तो उसकी तो आईडी हुआ, नॉन आईडी हुआ, नॉन आईडी कितने साल के लिए अपॉन हो सकते, कितने साल के, पर खैर वो विषय नहीं है, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. डायरेक्टर बार बार पांच पांच मत बोलो, पांच तो एमडी डब्ल्यूडीडी के लिए पांच है तो आपको लगता है पांच होगा, फिर आईडी के लिए पांच है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन फाइव इयर्स ऑल्सो. पर खैर इस समय वो चर्चा का विषय नहीं, उससे क्या मुझे क्या मतलब, पांच साल ज्यादा हो सकता है कम हो सकता, ये समझ जाएगा, बताओ ये समझ जाएगा आपको, अरे इसमें कोई डाउट है कि भाई लिख रहे क्या आप लिखेंगे कि मैं लिखूं, लिखो जल्दी.
मतलब कैसे? नहीं, उसका वैसे चलता रहा इंटैक्ट, वो जो अपॉइंटर था वो ऐसा समझेगा उसका उसका कुछ हुआ ही नहीं है, वो टेन्योर से कंटिन्यू रहेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो कंक्लूड करना, अभी वन अभी के एम पी तीन चार टाइप के हमारे पास में, एम डी मैनेजर है, डब्ल्यू डी डी है, सी एफ ओ सी एस, एक ही बंदा के एम डी डब्ल्यू डी डी कम ऑन सी एफ ओ सी एस बन सकता है? देखो कंक्लूड करो, वन पर्सन कैन नॉट होल्ड द पोजिशन ऑफ वन पर्सन cannot hold two or more positions of KMP cannot hold two or more positions of KMP। इसका मतलब समझता क्या है? Means separate individuals for किसके लिए? Separate individuals for MD, CS, CFO, ये सब अलग अलग टाइप के लोग होना चाहिए, इसमें मैशअप नहीं करना उसका। एक बात पूछूं, एम डी डब्ल्यू डी डी मैनेजर को लाया किसने? निकालना है तो वो डायरेक्टर के लिए, एम डी इज अ डिफरेंट पोजिशन, उसको हमको डायरेक्टर बोल के रखना है पर उसको एम डी बोल के नहीं रखना है। मुकेश अंबानी एमडी है, मैं चाहता हूँ वो एमडी नहीं रहे, वो डायरेक्टर है, एमडी नहीं रहे। लाया किसने था? बोर्ड ने लाया था ना, बोर्ड, समझा? वापस से बोल दो एक बार, अरे मुकेश अंबानी एमडी, हमको नहीं चाहिए अब वो एमडी, क्या करें अब? बोर्ड लाया किसने था उसको? बोर्ड में, बोर्ड लाया था, सिर्फ सब्जेक्ट था, अपना वो और था। अब बोर्ड अगर बोलता है कि नहीं चाहिए तो बोर्ड उसको निकाल सकता है। आप कुछ, ये बच्चा बोल रहा था 169 लगा दो, बोलो 169 क्यों नहीं लगा सकते? वो तो डायरेक्टर भी नहीं रहेगा बेचारा 169 लगा सकते। हम चाहते हो डायरेक्टर बोल के रहें पर एमडी बोल के ना रहें, तो क्या करना पड़ेगा? लेगो लिखो हमें, हु कैन रिमूव एम डी डब्ल्यू डी डी द आर्टिकल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपनीज, द आर्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज एम्पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, the article of most of the companies empower board to remove kisko md wdd ओके okay. एक होता है प्रायर अप्रूवल, एक होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। आप मुझे बताओ एमडी डब्ल्यू टी डी को लाना है 196 में, जब प्रायर अप्रूवल सब्सिक्वेंट अप्रूवल, यहाँ पे कहीं भी प्रायर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। पहले अपॉइंट कौन करेगा और अगले जनरल मीटिंग में? इसलिए तो प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो गंदा आदमी अपॉइंट हुआ होगा और जिसको अप्रूवल नहीं मिला
शेयर होल्डर की ओर से, तो जितना भी काम उसने किया था, इट विल रिमेन वैलिड और इनवैलिड? इट विल रिमेन वैलिड. प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड. बराबर है? अभी सारी चीजें हमने की, दो मिनट में रिवाइज करूंगा आज क्या क्या हमने पढ़ा. वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 196, 203. अभी इनको हम लोग को रिवाइज करने लिया, हमारे पास चार्ट्स है, चार्ट्स खोल दो बस. देखो इतना ही रिवाइज करना है, बस इतना रिवाइज खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना. बताओ बच्चों सबसे पहले क्या लिखा है? क्या एक बंदा जो एमडी, एक कंपनी में एमडी और मैनेजर दोनों भी रह सकते हैं क्या? दो हजार लोग एक कंपनी में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? आपको जवाब देना है. अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे, एक एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर कितने सालों के लिए अपॉइंट होते हैं? नॉट एक्सीडिंग. और उनका रीअपॉइंटमेंट करना है तो 4 साल के बाद में खुशखबर सुनाना उनको, उसके पहले नहीं. अगला सवाल बताओ, डिस्क्वालिफिकेशन जो 164 के है, क्या वो भी इनको एप्लीकेबल है क्या? वो तो हर डायरेक्टर को एप्लीकेबल है, वो तो इनको भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. बताओ चार बातें कौन सी? एक, उसकी उम्र 21 से कम, 70 से. दूसरी बात याद रखना, वो इंसॉल्वेंट नहीं चाहिए. तीसरी बात याद रखना, उसने आज तक क्रेडिटर को डुबाया नहीं चाहिए. और चौथी बात कम ऑन, चौथी बात उसको इम्प्रेस. आप क्या कर रहे हो? शेड्यूल 5 के और इसके कंडीशन का मैशअप कर रहे हो. इसलिए मैंने दोनों कॉलम बाजू में रखे. देखो इधर भी एबीसीडी, इधर भी एबीसीडी. अरे चार्ट में दोनों भी बाजू बाजू में है, तो आपको क्लैरिटी आती है कि इसके चार पॉइंट कौन से, उसके चार पॉइंट कौन से? बोलो जल्दी से, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे यार बोलो यार. चार बातें कौन सी? नंबर बात बताओ. देखो एज जो है 21 से कम, 70 से ज्यादा होंगे तो डिस्क्वालीफाइड. दूसरी बात, वो इंसॉल्वेंट कभी था या है? कभी भी हुआ होगा? आज तक क्रेडिटर को कभी भी उसने डुबाया होगा? और चौथी बात, 6 महीने से ज्यादा की अगर इंप्रिजनमेंट हुई होगी, ये बंदा हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड. उसमें एक प्रोविजन है, इफ इज व्हाट अपॉइंटिंग मोर देन व्हाट, 70 साल के बाद वाला बंदा अगर अपॉइंट हो रहा है, इन दैट केस कंपनी को सिर्फ एसआर लगेगा, बीआर एसआर लगेगा. और आम केस में क्या लगता है? सिर्फ बीआर और नहीं लगता. अरे तुम पागल हो गए? अरे तुम्हारे दिमाग में कुछ हो गया क्या? साफ सुनगे आपको हुआ क्या? अरे सबरे से यही पढ़ा रहा ना, बीआर वार तब को शुरुआती लिख सकी इससे की थी कि अब नशे में आते हो क्या? थोड़ी देर बाद 196 203 मैंने लिख के दिया था, 203 सिर्फ बीआर बोलता है. मैंने बोला था 196 बीआर ओआर कहता है और जरूरत पड़े तो सीजी कहता है, चिक चिक के बोला था. और मैंने कहा था लॉ हमेशा उसको फॉलो करता है जो स्ट्रिंजेंट होता है. तो आपको पता 190, मैंने बोला दोनों का हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे 190. और तो तुम नहीं बोला था, किसी और ने बोला था बीआर करेंगे. इधर देखो बताओ बच्चों, अगर मान लो 70 से ऊपर का बूढ़ा अपॉइंट हो रहा है तो बीआर ऐसा नॉर्मल आदमी बीआर. हाँ अगला सवाल बताएंगे शेड्यूल 5 की चार कंडीशन कौन सी? नंबर 1, कोई बात नहीं मैं बोलता, वो 16 एक्ट में से कभी भी एक दिन के लिए भी जेल में गया हो या 1000 का भी फाइन हो और कॉफे पोसा में सिर्फ डिटेंशन किया नूपुर को. तीसरी बात, रेम्यूनेशन का एक पॉइंट है जो हमें करना नहीं, और एक रेसिडेंट की बात की थी, वो आदमी रेसिडेंट होना चाहिए. इंडिया के लोग तो अपॉइंट होंगे, फिरंगी भी अपॉइंट हो सकता है अगर लास्ट 12 महीने से इंडिया में, और इंडिया में आया वो धंधा करने के लिए तो एम्प्लॉयमेंट करे और उसको वीजा मिला है हमारे और से. बराबर है? और एससीजेड में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती. आप बताएंगे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? पहले क्या पास करेंगे? बीआर. फिर क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट ओआर. सही बोला ना? और इसके केस में 70 से ऊपर वाले केस में? अरे बोल रहे नहीं आप. अगला सवाल पूछू क्या मैं? सीजी का अप्रूवल कब लगेगा? सीजी का अप्रूवल हमेशा नहीं, जब शेड्यूल 5 को फॉलो नहीं करके तभी उसका अप्रूवल लगेगा. बताएंगे दोस्तों, अब 203 की बात करेंगे. 203 किसके लिए एप्लीकेबल? ऑल द लिस्टेड कंपनीज. अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए. और सीएसटी केस में तो उस कंपनी में क्या चाहिए? केएमपी चाहिए. केएमपी कौन से होते हैं? एमडी सीईओ मैनेजर में से एक. और डब्ल्यूडीडी तो चाहिए, सीएफओ चाहिए, सीएस चाहिए. आप बताइए फुल टाइम लोग है कि नहीं? फुल टाइम काम करेंगे तो जनरली फुल टाइम लोग किसी और के यहाँ पे काम नहीं कर सकते, पर कर सकते अगर एमडी को करना है दूसरे कंपनी में यूबीआर, डब्ल्यूडीडी को करना तो कर सकता है अगर दूसरे कंपनी में क्या बोलते हैं करना है तो सब्सिडियरी में काम कर सकता है. तो एक डब्ल्यूडीडी दूसरे कंपनी का डब्ल्यूडीडी हो सकता है, दूसरी कंपनी सब्सिडियरी हो. एक एमडी दूसरे कंपनी का एमडी बन सकता है, दूसरी कंपनी में यूबीआर पास हुआ हो. बताओ इनका कैजुअल वैकेंसी हो तो क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर जुआ. और आम डायरेक्टर मर गया तो लाना है तो लाए, ना तो नहीं लाए, पर लाने का अधिकार हमेशा किसको होता है? ये तो लिखा है, ये सब कुछ आपने यहाँ पे खत्म किया. देखो पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया राइट. अब बताओ 204 सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है?
अरे सेक्शन नंबर 204 किसके लिए एप्लीकेबल है? सेक्शन नंबर 204 फॉर द ऑल द लिस्टेड कंपनीज, मतलब बड़े कंपनीज का सीएस ऑडिट लिस्टेड कंपनी। और दूसरा क्या बोला है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुल हो पे, ऐसे बड़े कंपनीज को सीएस ऑडिट करना जरूरी है। उसका ऑडिटर जो सीएस होता है जो रिपोर्ट देगा, तो क्या उसका रिप्लाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में देना पड़ेगा? और क्या जब भी सीएस आता है तो क्या उसका पूरा असिस्टेंस मिलना जरूरी है? ये हमने पढ़ा 204 में। तो आज तीन सेक्शन खत्म किए, 196, 203, 204। एक बंदा जो चेयरपर्सन है वो कंपनी का एमडी बन सकता है क्या? पहली बात तो बन नहीं सकता, वो आर्टिकल में होना चाहिए। और आर्टिकल में नहीं है तो दो छोटा बिजनेस हो तो चल सकता है, पर अगर बड़ा बिजनेस हो तो हर बिजनेस के लिए सीईओ अपॉइंटेड होना चाहिए, तब जाके हो सकता है। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।